क्या हाल चाल जनता, कौन कौन है यहाँ पे? लेट ओपी जी, लेट ओपी, मात्र 1 मिनट से लेट। इसमें अगर आप मुझे मेरे माथे पे लेट का वो डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था राइडर ओपी, पर कोई नहीं, लेट ओपी मैं लिख देता हूँ। ये लो, मैं लिख देता हूँ, LATEOP। खुश? बस ये जो आपके 30 सेकंड मैंने बर्बाद कर दिए लेट आकर, उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं आज के शो के लिए। क्योंकि आज जो मेरे साथ हैं वो कॉमेडी दुनिया में सबसे ऑनेस्ट इंसान, सबसे ज्यादा, मतलब वो कॉमेडी को छोड़ के अपनी ऑनेस्टी के लिए अलग से जाने जाते हैं। तो अगर आप तैयार हो तो प्लीज गिव इट अप फॉर वन एंड ओनली विपुल गोयल। विपुल भाई, आ रहा रो मैंने निशांत भाई, मैंने जान करके थोड़ा सा लेट किया था कि मैं आपके चेहरे पे पैनिक देख पाऊं। इसलिए ओहो, चैट भाई विपुल ओपी हो जाए, चैट में विपुल ओपी दे दनादन। अरे अरे तो मैंने एनर्जाइजर नाम क्यों रखा, क्योंकि दो रीजन है उसके पीछे। अगर आपने देखा होगा पोस्टर में था एनर्जाइजर, कि एक तो भाई विपुल भाई जहां भी आते हैं वो इतनी सारी एनर्जी, मतलब एक डल रूम हो और अचानक से ये विपुल भाई की एंट्री और वो अरे रूम ऐसे एक एनर्जी से भरा हुआ एकदम ही, मतलब वो रेडबुल हो जाता है, पहला रीजन वो। और दूसरा ये कि हमारी राइम स्कीम में बैठता है, देखो राइडर राइडर एनर्जाइजर प्रोवाइडर सब। अरे मैं, मेरे को ये पूछना था हाँ कि भाई, जैसे ओपी तो मैंने टर्म पता चला गेमिंग टर्म है ओपी, है ना, ओवर हाँ पावर, हाँ 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 तो उसी तरह राइडर प्रोवाइडर भी एक्चुअल गेमिंग टर्म्स है या वो गाने के थ्रू पड़े हुए हैं? वो भाई वही वो गाना है, इमरान खान भाई साहब अपने एक सिंगर है, उनका गाना जो अच्छा टिकटॉक पे बहुत यूज होता है, टिकटॉक हाँ, पे। वो मैंने देखे थे तन्मय वाले रिव्यूज, उसी में राइडर प्रोवाइडर, तो हाँ मुझे हाँ लगा शायद ये गेमिंग टर्म होंगे ओपी की तरह, बट ये तो अभी टर्म ही बन गया राइडर प्रोवाइडर, तो हर जगह ये चल रहा है आजकल। हाँ हाँ तो ये टिकटॉक पे ना लोग यूज करते हैं, जैसे बहुत ही, अगर एंड में वो आता ना वो मूवमेंट, अब्बास मस्तान मूवमेंट आता है जब टिकटॉक में, जब फ्लिप होता है तो अचानक से वीडियो स्लो मोशन करके, हाँ हाँ ओहो में तो जब कटता है तो कटता है। अच्छा अच्छा इसमें जब ओहो आपने काटा जब है स्वैग उसमें हीरोगिरी आपका, वाला हाँ है। हाँ स्वैग वाला की आम राइट ऐसे वाला, तो वो ऐसे ही हमने वो रिएक्शन वीडियो किया था, और तब से ये ऐसा ही, मतलब जनता ने पकड़ लिया है तो क्या ही करें, तो सही है, ये तब से कल्ट। चल कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? यार लॉकडाउन अभी 5वां महीना है ना, तो हाँ अभी एक तरह से एक्सेप्टेंस आ चुकी है कि अगले 5 महीने भी ऐसे ही चलेंगे, हाँ तो अभी इसी में एक रूटीन बन गया है ना, ये सब हाँ एक्सेप्टेंस आ गई है। क्योंकि हाँ देखो शुरू के 2 महीने तो हमारे सबका वही जोक्स चले थे, झाड़ू पोछा बर्तन। अभी अभी झाड़ू पोछा बर्तन की कोई बात ही नहीं करता है, सबने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी यही है। यही है हाँ तो वैसा ही रहता है, स्केड्यूल उठे। एक तो ये अच्छा हो जाता है कि मैं सैटरडे संडे जूम शो करता हूँ, अच्छा तो हाँ थोड़े से वो हो गया कि फ्राइडे से लुक फॉरवर्ड करता हूँ और मंडे को फिर मैं गिल्ट फ्री एंजॉय कर पाता हूँ कि मैंने 2 दिन काम किया है ना, और बीच के फिर 3 दिन निकल जाते हैं टाइम पास, कुछ ना कुछ वीडियो या ये, और टाइम कुछ नेटफ्लिक्स पे देख लिया इसी तरह। बट मैं हर महीने के एंड में बहुत खुश होता हूँ कि ये महीना खत्म हो रहा है, मतलब मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी अगस्त 31 आने वाला है, मैंने 15 अगस्त को इतना लुक फॉरवर्ड नहीं किया जितना मैं 31 अगस्त को लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कि कब अगस्त खत्म हो और सितंबर आए। हाँ, बस एक रे ऑफ होप है कि यार 1 महीना और खत्म हो गया, इसी हाँ तरह दिसंबर 31 भी आएगा। और मुझे पहली बार एहसास हुआ और इस बात का दुख हुआ कि जुलाई और अगस्त दोनों में 31 31 है यार डेज। आज तक कभी मुझे ये नोटिस नहीं हुई थी बात, लेकिन इस बार लगा ये क्या है यार, जो एक एक दिन एक्स्ट्रा आ गया महीने का चुभ रहा है वो भी वो चुभ रहा है। और ऐसा आ रहा है कि यार हमारे लॉकडाउन में फरवरी नसीब क्यों नहीं है, वो वाला हो रहा है यार के। सही लेकिन मुझे लग रहा है कि फरवरी 2020 शायद आ जाएगा लॉकडाउन में वो भी। है। तो शुरुआत में जैसे आप भी बहुत ट्रैवल करते हो, शोज बहुत कुछ ना कुछ चल अब आपका लगा ही रहता है, तो मेरा क्या सीन था, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरे शुरुआत का 1 महीना तो छुट्टी थी, मैं बहुत ही खुश था, महीना डेढ़ महीना मेरा छुट्टी में निकल गया, कि घर पे रहने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, एयरपोर्ट की शक्ल नहीं देखनी पड़ रही, प्लेन में नहीं बैठना पड़ रहा, काफी वो। फिर वो वाइफ के एक साथ टाइम मिल रहा है, फैमिली टाइम। फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है, वो उनको नहीं पता सकते लॉकडाउन है, पर उनको तो देखो टाइम दे रहे हैं भैया,
ये ऐसे हाँ। और अचानक से 1.5 महीने बाद ना, मैंने तो ये मैंने तो वाइफ को ये दिखाने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, 200 मेरे क्लाइंट ने कैंसिल किए थे, लेकिन मैंने बोल दिया मैंने कैंसिल कर दिया, हमारी सेफ्टी फर्स्ट है, मैंने वो ब्राउनी पॉइंट्स भी लिए हैं झूठ बोल के। तो वो स्ट्रीम नहीं देखे तो अच्छा है, पीछे से उड़ती हुई चप्पल। तो शुरू में था, 1.5 महीने बाद वो चुभना शुरू हुआ धीरे धीरे कि यार, क्योंकि घर पे बैठने की आदत ही नहीं है इतना, मतलब मेरे ख्याल से हफ्ते में 3 दिन मैक्सिमम, 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन घर पे ऐसे रहते हैं, बाकी कुछ ना कुछ तो हम कहीं ना कहीं खुद के शो रखवा लेते, पब्लिक शो करवा लेते, कुछ और नहीं होता तो। हाँ। पर आप बोल रहे हो कि आप ऑनलाइन शोज बहुत कर रहे हो। यार मैं ऑनलाइन शो मतलब बहुत तो क्या, मतलब मैं हर सैटरडे संडे डाल देता वीकेंड हूँ, पे, ये सोच के कि यार थोड़ा सा प्रोडक्टिव फील होगा खुद को, और यार एक जोक भी नया टेस्ट होता है इवन ऑन अ जूम शो, तो क्या और उस होता पे है। लाफ मिलती है, तो वो जो एक जॉय तो अलग ही है, वो तो कोकेन ड्रग है ही है फिर। तो जस्ट कीपिंग योर माइंड ऑक्यूपाइड, और थोड़ा थोड़ा करके ये लगता है कि ऐसे 7-8 शो करके एक तो प्रैक्टिस हो गई कि मैं डायलॉग्स भूला नहीं, मुझे जोक्स याद है, एक जूम शो की प्रैक्टिस होगी कि कल को कोई कॉर्पोरेट शो क्वेरी आती तो एटलीस्ट आई नो टेक्निकलिटीज के कैसे हैंडल होता है, तो माइंड ऑक्यूपाइड है, प्लस थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के होम लोन की ईएमआई बन जाती है, तो मतलब तो उस तरह लगता है कि चलो यार ठीक है, अब ये है एक्सेप्टेंस आ गई, और तो इसी तरह मतलब माइंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्योंकि मैंने देखा यार आप 2 दिन भी काम करो ना, तो मंडे को मैं गिल्ट फ्री दारू पी पाता हूँ यार, मुझे कोई अपने ना मुझे अपने कॉन्शियस को जवाब देना है, ना मुझे अपनी वाइफ को जवाब देना है। सही, होम लोन से बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं। नहीं है भाई, नहीं है, होम लोन से बड़ा कोई नहीं है, मैं होम लोन पे एक सेट भी लिख रहा हूँ अच्छा, बहुत ओ टाइम से, एक तो मैंने होम लोन के बाद ये देखा है कि वो सारे जवाब मिल गए जो आपको एग्जिस्टेंस वाले सवाल आते ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, मुझे आ गया मीनिंग ऑफ लाइफ, अगले 15-20 साल तक तो यही है कि भाई होम लोन ईएमआई जुगाड़ो, यही आपका मीनिंग, ये जो थे ना जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ये जो लोगों के रहते हैं, मेरे को पूरा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है अभी कि ये जॉब के थ्रू ही चल रहा है, तो अभी ये सब सवाल नहीं है क्या जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा, ये रैट रेस में ही हम रहेंगे, हाँ आप इस रैट रेस में ही रहोगे, अब ये सब सवालों के जवाब मिल गए मुझे, और होम लोन के आने से ना एक्टिविज्म खत्म हो गया मेरा पूरा, क्योंकि जो पहले एक्टिविज्म होता था ना कि पेड़ मत काटो, मेट्रो क्यों बना रहे हो, या वो सब खत्म हो गए अच्छा, कि भाई गलती से वहां से पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में भेज दिया तो ईएमआई मीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी तो उल्टा है कि भाई पेड़ कटेंगे तभी तो नए घर बनेंगे, तभी तो तो नए लोग पूरा आके बसेंगे और वो शो देखेंगे और टिकट। सही सही, हाँ, नई बिल्डिंग्स बनेंगी रियल एस्टेट की, नए घर बनेंगे, नए लोग आएंगे, उनको नए लोगों को ईएमआई का क्या बोलते हो जंजीर जकड़ेगी। मेरे को, और मुझे रिलाइज हुआ कि शायद इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देती है, गवर्नमेंट इसलिए टैक्स बेनिफिट देती है होम लोन पे कि एक बार ये होम लोन ले ले बस, बस फिर इसके बस एक्टिविज्म और देश को सुधारना है ये सब कांड इसके बंद हो जाएंगे चुपचाप, ओ सुबह फिर वो नौकरी पे बस जाएगा, शाम को घर आएगा, बरमुडा ट्रायंगल में अपना, बढ़िया। आप फंस जाओगे उसमें, सो तो इसी पे एसबीआई, मैं पूरा सेट बना रहा था जो मैंने आज टेस्ट कर लिया थोड़ा। मुझे लगा आता लोगों को एक ओपन माइक कर दूं। बिल्कुल इरशाद इरशाद। सो एसबीआई एसबीआई हैज नॉट ओनली गिवन यू होम लोन बट आल्सो मीनिंग ऑफ लाइफ। हाँ, मतलब मेरे सारे चीजें सॉल्व हो गई, काफी डाउट्स मेरे क्लियर हो गए, इसलिए मुझे लगता है लाइफ में सबको होम लोन लेना चाहिए एक बार। एक बार तो लेके देखना चाहिए। हाँ, एक बार आप मेडिटेशन कोर्स कर लो जाके, विपासना कोर्स भी कर लो, और एक बार ईएमआई का कोर्स भी कर लो, और फिर आप मुझे बताना आपके ज्यादा चक्र कहाँ से खुले। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिली आपको लाइफ की। सही, अमिताभ बनराल ने बोला है लव फ्रॉम बीएचयू, अरे आईआईटी बीएचयू, सही है। आईआईटी भाई, सही है। मैं ये बोल रहा था विपुल, आपको याद है हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे? फर्स्ट टाइम दिल्ली में ही मिले होंगे नहीं नहीं या मतलब फिर नहीं, कैनवस में मिले होंगे। बिल्कुल याद नहीं आपको, बहुत ही सही, मैं दिलाता हूँ याद। हम पहली बार मिले थे पवई में, जब आपका एक अपना अलग पैरेलल कॉमेडी सीन चलता था और ये वाला कॉमेडी सीन एक अलग था, आपको याद है? आप पहले अलग, ये इस वाले कॉमेडी सीन में आप घुसे नहीं थे उस टाइम।
हाँ उस समय कैनवस 2012, वाला, हाँ, वो वाला जो था 12 में आप कॉर्पोरेट शोज कर रहे थे अपने, हमें पता था कोई विपुल गोयल है, विपुल गोयल को पता था कोई यहाँ पे कॉमेडी सीन चल रहा है, पर आपका एक पैरेलल सीन चला रखा था आपने, है ना? हाँ वो रिवाल्डो के साथ नितिन हाँ गुप्ता और हाँ हमारा हाँ नितिन इंजीनियरिंग गुप्ता, कॉलेज वाला, और हाँ हाँ, कॉर्पोरेट। हाँ तो उस टाइम मैंने ऐसे आपको फेसबुक पे ढूंढ ढूंढ के आपका वीडियो देखा, फेसबुक का वीडियो जो वायरल हुआ था आपका पहला, उसके बाद फेसबुक पे कनेक्ट हुए हाँ और मैंने फिर मैसेज किया था, हाय हेलो की थी अपन ने फेसबुक पे, मैं कॉमेडी स्टोर का शो करने आया था और मैं पवई में रुका था एक जगह, L&T के सामने कोई एक वो होता था क्योंकि खुद के खर्चे पे करना हाँ पड़ता था, तो सर और आपने बोला था कि पवई के आसपास ही है, तो आप कंजर मार्ग के आसपास कहीं रहते थे, कहीं हाँ पवई में मेरा पवई आईटी में, भी पवई में हुई 5 साल, और बाद में फ्लैट भी सामने पवई। पवई में लिया, तो हम पवई में मिले थे, एक कौन सी पता नहीं बियर वाली जगह थी आपने दिलाई थी, बहुत ही सस्ती सुंदर टिकआउट जगह, ओ तो वो आईटी के सामने थी क्या? हाँ नाम बताओ ना, दो तीन नाम लो मैं बताता हूँ कौन सी, उसके एसपी एक करके उसका कमला था, कमला एसपी। कमला मिल में भी एक है उसका वो जॉइंट, कमला मिल्स है ना अपना, हाँ, वहां देख पे एक तो अच्छा पॉपटेट्स, पॉप टेट्स, जी हाँ, अच्छा तो वो शायद मैंने इम्प्रेशन बनाने के लिए पॉपटेट्स बोला होगा, वरना हम नॉर्मली हम लोग वहां पीते थे, सुजाता पैलेस करके आईटी के सामने ही बार था, वहां पे बिल्कुल लोग बीड़ी चल रही है, सुट्टे चल रहे हैं, पापड़, और तो हम लोग कॉलेज में वही जाते थे क्योंकि तब पैक चाहिए था 40-50 रुपए का। अरे लेकिन शायद मैंने देखा होगा कि ये कैनवस करने आया है, तो मतलब इस पे इम्प्रेशन देना पड़ेगा, और शायद निशांत तूने वो उसमें लिख भी दिया होगा कि सॉ योर वीडियो, तो मुझे लगा इम्प्रेशन पे लिव अप करना पड़ेगा वरना मैं वहीं पे लेके जाता। तो हाँ पॉपटेट से मिलोगे बार में, मैंने कुछ फंडे दिए होंगे उल्टे सीधे, मुझे भी पता है कुछ तो बोला होगा मैंने। फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम मिले हम पॉपटेट्स में ऐसे ही, मतलब कॉमेडी से पहले स्टेज शेयर करने से पहले मिले, वहां पे चिलविल किया हमने, बियर वियर मारी और हाय लो की, स्टेज हमने बाद में शेयर किया धीरे धीरे, आपने आपने जब बोला मुझे कॉमेडी शो स्टार्ट करना है, ये वाला करना है, कैसे होता है ये वो, और मेरे को याद है कि हमारा पहला शो था जब हमने साथ में, पहला दूसरा ही था लाइनअप शो जब होते थे बेस्ट इन वाले, हाँ, कैनवस में। कम करके निकल रहे थे, और मेरे को आज तक वो फीडबैक याद है आपका जो आपने मेरे स्टैंड अप को लेके दिया क्या बोल रहा है? था ऑफर क्या दिया मैंने? अच्छा अच्छा फीडबैक था, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक था आपके स्टाइल में, कि यार ये जोक ऐसे मत कर जो 6 महीने बाद ना चले, मतलब जोक ऐसे होने चाहिए जिनकी लाइफ नहीं हो, वो नीचे मैं पता है कैसे जोक लिखता हूँ कि मैं डेथ बेड पे भी बोलूँ ना तो उस दिन भी वो चलेगा, ऐसा जोक लिखो, मैं बोला बात तो सही है। ये मैंने पक्का बोलूंगा, ये अभी भी मेरी थियरी रहती, क्योंकि हाँ यार मुझे ये लगता सेल्फ है कि यार लाइफ एक तो मैं मतलब बहुत उसकी, हाँ एक तो क्योंकि मैं आलसी आदमी बहुत हूँ, हाँ, ठीक है, तो मुझे है कि एक बार मेहनत कर ली अगर बैठ के, तो वो मेहनत फिर कितने जिंदगी साल भर खींच का, सकता हूँ वो हाँ मेहनत, एकदम हाँ FD जैसा हो जाए अपना, है ना? FD की तरह हो जाए कि उसको। तो इसलिए जब आप टॉपिकल जोक्स करते हो कि आज ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई, तो आप बहुत ज्यादा बैंक कर रहे हो कि आपकी ऑडियंस को भी ये कॉन्ट्रोवर्सी पता हो। तो उसपे क्या होता है कि अगर उनको वो कंट्रोवर्सी नहीं पता, अगर वो न्यूज फॉलो नहीं कर रहे, हम तो दिन भर खाली बैठे रहते हैं ट्विटर पे और ये, तो हम लोग तो न्यूज ही फॉलो करते हैं कंटेंट मिल जाए, लेकिन वो जो ऑडियंस में आ रहा है वो दिन भर की नौकरी करके आ रहा है, उसकी लाइफ, जैसे मेरी वाइफ ट्विटर पे है भी नहीं, हाँ तो ऐसी इतनी बड़ी ऑडियंस है जिनको पता ही नहीं है ट्विटर क्या चल रहा है। तो मुझे लगता था कि यार फिर वहां पे मैं इस चीज पे बैंक कर रहा हूँ कि उन्होंने उनको भी वो कंट्रोवर्सी फॉलो किया और उतनी पैशनेटली फॉलो किया हो। हाँ उतनी नॉलेज हो हर टॉपिक के बारे में हाँ जितनी हमें है। तो अगर रूम में 100 लोग बैठे हैं और ये कंट्रोवर्सी 10 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो पहले ही आपका रूम आपका 1/10 हो गया, हो गया, उसमें भी अब उन 10 लोग में से 5 को फनी लगेगा, तो मैं इतनी कम प्रोबेबिलिटी पे मेरा तो वो जोक डाई ही होगा हमेशा, अनलेस वो हाँ बहुत ही नेशनल बन जाए, और फिर वो पता है कि वो फिर वो लाइव शो के लिए सही रहता है कि 1-2 महीने, हाँ लेकिन हम वीडियो डालते हैं उस जोक को पूरा चूस के वो एक दो एकदम साल बाद, गन्ने के जूस की तरह मरोड़ मरोड़ के ऊपर नीचे से एकदम, हाँ तब तक तो वो कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, तब वो जोक भी आउटडेटेड लगेगा कि यार अभी भी 2 साल पुराने जोक सुना रहा है, और तब तक उस जोक के बहुत ही बेटर वर्जन व्हाट्सएप पे आ चुके होंगे। आ चुके होंगे। हाँ मुझे ये तो मेरा एक रियलाइज, पाकिस्तान, मैंने एक हाँ पाकिस्तान पे ट्वीट किया था, वो इतना पॉपुलर हो गया, मैंने ऐसे ही किया था पाकिस्तान पे ट्वीट, अभी ये इसरो वाला नहीं आया था हाँ कि मून मिशन अपना हुआ तो पाकिस्तान अपना फेल हो गया था, मंगलयान कुछ तो प्रॉब्लम हो हाँ गई थी, तो हाँ पाकिस्तान ट्विटर पे जोक चल रहे थे, तो मैंने जोक मार दिया कि द ओनली वे पाकिस्तानीज कैन फिजिकली लैंड ऑन मून इज इफ दे फिजिकली सिट ऑन देयर ओन फ्लैग, है ना ये, और इसके 6,000 रीट्वीट्स मिले मुझे, 6,000 ओहो रीट्वीट्स, तो मुझे लगा मारवाड़ी ब्रेन के रीट्वीट मिले तो लाइव शो में डाल देते, अब क्या है,
तो मैंने 7-8 दिन पहले दिल्ली में ही शो था, 7-8 दिन बाद, ये बहुत ही रिसेंट है, मतलब 7-8 महीने पहले की बात है। और मैंने वो जोक किया, और शो के बाद में बंदा बोलता है, सर ये क्या व्हाट्सएप वाला जोक सुना है आपने, ये वाला जोक तो व्हाट्सएप पे सुना हुआ है मैंने। और मुझे लगा ओ फक, ये जोक, कुछ जोक खुदी का इतने जोक। पॉपुलर हो जाते हैं ना, फिर आप पे हाँ चोरी का इल्जाम, फिर आपको छोड़ने पड़ते कि छोड़ दो ये जोक अब। तो इसलिए मेरा ये था कि यार हमेशा, क्योंकि अब अपन करते भी शो, अपने कितने तरह के शोज होते हैं, कॉर्पोरेट, पब्लिक कॉलेज, शो, प्राइवेट प्राइवेट शो, कुछ। हाँ हाँ, तो मुझे लगता है कि यार ये जो टॉपिकल शो बहुत हैप जगह ही चलेगा, जहाँ पे क्राउड बहुत अवेयर है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, या हाँ तो इसलिए मुझे लगता है कि यार 2 महीने बाद में आप मेहनत कर रहे हो जो कि वैल्यू नहीं है, तो सही। ये मुझे कमी फिर लहजों आप में मैं बता रहा था कि मैंने एक क्रिकेट के ऊपर सेट लिखा था, जिसमें मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से लिख दिया था कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती नहीं है, और मेरे दिमाग में था जीतेगी भी नहीं। ये 3 साल पहले की बात है। और वो मेरे हिसाब से, मेरे को बहुत होता है ना, कोई सेट आपको करने में बहुत मजा आता है, तो क्रिकेट से रिलेटेड था और मुझे बहुत मजा आता था उसमें, जितने टैग्स डाल रखे थे मैंने, ये वो, मुझे क्या मजा भी पता आता है, और था। प्लस एक वो फीलिंग होती है ना कि यार ये सेट, ये वाला टॉपिक किसी और ने छुआ नहीं है, तो हाँ नॉवेल्टी भी है कोई। मुझे क्या पता था कि वो हराम के जने पिछले इसी वर्ल्ड कप में कर देंगे। अब उस वीडियो पे सारे कमेंट यही आते। हाँ यार, लोग टाइमलाइन तो देखते नहीं कि इसके अपलोडेड 4 इयर्स अगो, टाइम देख लो ना आप, जब वो बात कर रहा है, हाँ आप चूतिए न्यूज पढ़ाकर वर्ल्ड कप तेरा बाप जीता था, बोला यार तुम चूतिए हो साले, उसका टाइम देखो पब्लिश, एक यूट्यूब पे डेट आती है, डेट आती है तो वो एक वो, और हाँ इतना बड़ा वर्ल्ड इवेंट कोई कॉमेडियन मिस्टेक तो नहीं करेगा, और करेगा। करेगा तो एक तो लोगों को लगता है कि हमारे पास इंटरनेट नहीं, हम कमेंट्स नहीं पढ़ सकते। भाई मैंने वीडियो अपलोड किया है तो मेरे पास आपसे हायर स्पीड का इंटरनेट है, आप कमेंट कर रहे हो, मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो डाल रहा हूँ अगर इतना बड़ा कोई ब्लंडर करेगा तो 4 कमेंट पढ़ के सीधा वहीं से उसको प्राइवेट कर देगा यार कि ये मैं क्या करेगा। कर रहा हूं। हाँ तो उस पर ये तो छोड़ो कमेंट यार, ये जिस दिन वो ऑडियंस से बोल रहा होगा, ऑडियंस में कोई बोल देगा कि भाई बोल कौन सी दुनिया देगा, में जी लाइव रहा लाइव शो में बोल देगा कोई। है। हाँ नहीं, उस पर कमेंट ये नहीं आते कि जीत चुका इंग्लैंड क्या डाला है, वो ये लाते हैं कि देख तू बड़े मजे ले रहा था ना, ये वो उसमें मैंने स्टुअर्ट ब्रॉड बेन के मजे लिए, तो उनका ये वो वाला था। स्टॉक्स के तो नहीं लेते ना। नहीं, बहुत बच गया, मैंने सिर्फ स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए थे और उसके फ्लिंट ऑफ के मजे लेते, वो तो रिटायर ही हो गया, अब क्या करेगा। रमेश निराली जी कह रहे हैं, लविंग दिस, आई एम 24 years old, आई एम इनटू होम लोन टू, आई फील यू विपुल। 24 इयर्स में कौन सा होम लोन ले रहा है भाई, चाइल्ड मैरिज हुई है क्या इसकी भाई, तू राजस्थान से है क्या, 24 साल में कौन सा होम लोन ले रहा भाई तू, 24 साल में तो अभी डिग्री ले और जॉब ले, एजुकेशन हाँ लोन की उम्र है, होम लोन की उम्र कहां से आ गई, देने होम लोन दिया किसने, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि होम लोन दे किसने दिया। वाले बैंक वाले तो हरामी है, उन तो उनको तो मजा ही आता है देने में। और अगर होम लोन ले रखा है तो सुपर चैट तो मत दे यार। हाँ यार प्लीज, इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा आप अपनी एक यूट्यूब स्ट्रीम करके वहां से सुपर चैट से थोड़ा ईएमआई जुगाड़ लो। आपने ये बताइए, स्टैंड अप की शुरुआत कैसे हुई थी, ये क्या कैसे हुआ था, आईआईटी में थे आप, आईआईटी में हाँ अरे जाके कैसे उस यार तू मेरे टाइम। को आप क्यों बोल रहा है यार, मेरे को तू बोलना, हम हमेशा तू लेवल पे बात की है, आप कहाँ की हमने कभी। तू मैं मेरा क्या होता है, मैं इस वाले में ना बहुत फैन वाले मोड में चला जाता हूँ ऐसे। नहीं नहीं यार तू मुझे, मैं तू तू बोल रहा, मैं कितना रूड साउंड कर रहा हूँ लोगों का, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, हमारा राइडर ओपी बोल रहा है आप, और ये हाँ तू, और ये क्या है यार, ये भाई तू तू पे आ जा यार, मैं चलो। बहुत ही अपने आपको देख के मुझे लग रहा है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हर कमेडियन जो हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, तो जो फर्स्ट टाइम आप या तू जो भी होता है वो स्टिक करता है हमेशा, तो जैसे मेरा तेरे साथ तू है, तन्मय के साथ भी हम तू करके मिले, जाकिर के साथ भी तू है, रिवाल्डो के साथ आप है, टंडन सर के साथ आप है, खत्री सर के साथ आप है, चलो खत्री और टंडन सर तो एज में ही आप निकल आप हो निकल गए जाता अपने होगा आप। तो ये, हाँ, वो तो ऑटो आ हाँ गया। बट हाँ, तो वैसे वाला वो स्टिक ही हो जाता है फिर, तो तू यार तू बोल के बोल आगे। तो हाँ, तो आईआईटी से कैसे, तो हाँ कैसे। इसके दो यार, तो यार मेरे को आईआईटी ना थर्ड ईयर में मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मुझे ये इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़नी, और है अच्छा, ना मुझे ये रियलाइज नहीं होता कि क्या करना है, मुझे पर ये रियलाइज हो गया था कि आईआईटी करने का आपका फैसला आईआईटी खुद ही डिसाइड किया था कि तब तक क्या वो यार ऐसा। मैंने टेंथ तक आईआईटी का नाम भी नहीं सुना था, अच्छा। मुझे पापा ने बोला सारे होशियार बच्चे 11th 12th कोटा में जाते हैं आईआईटी के लिए पढ़ने, तो मैंने बोला मैं तो होशियार बच्चा हो जाए,
है ना, क्योंकि मैं तब तक मैं शुरू के 10 साल टॉपर ही रहा अपने स्कूल में, ओ भाई साहब, 1998 से। ओहो हाँ, मैंने टॉपर वाली लाइफ जी हमेशा, और ओहो टॉपर वाला भी मैं, मुझे 8 तक समझ आ गया था कि लोग टॉपर्स को पसंद करते नहीं, 8 क्लास में समझ आ गया था। हाँ तो मैंने 9 10th में मैं दो लोगों को, जो सबसे बदमाश लोगों में, चीटिंग कराता था ताकि मेरी बैक बेंचर्स में इमेज जाए कि क्या कूल टॉपर है, क्योंकि हमेशा टॉपर की होती है ना कि एटीट्यूड वाला होगा, ये शिकायत ऐसे कर देगा। ऐसे छुपा के लिखता है ऐसे नोटबुक अपना ये करके। हाँ तो मैं 8 तक करता था, फिर मुझे रिलैक्स हो गया कि मैं विलेन बन रहा हूँ यार, मेरे को हीरो बनने आया हूँ मैं इधर। तो मैं फिर जो बेड़े में बच्चे होते थे ना, उनसे मैं बात करता था, उनको हाय करता था। तो वो नहीं होता, हॉट गर्ल आपको हाय बोलते तो आप बोलते, अरे इसमें बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। तो बॉयज कॉलेज में टॉपर इज नॉट हॉट गर्ल, के आधे लोग तो आपसे खुद बात नहीं करते कि इसमें एटीट्यूड होगा, मेरे से मुंह क्यों लगेगा, ये तो 98.4% है हाँ मेरा। लोग इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं कराते थे, पापा ये विपुल, विपुल नाम नहीं आता था, पापा ये विपुल, और टॉपर फिर सीधा 98.4%, ओहो कुछ नहीं आगे पीछे। तो ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते थे। तो मैं चीटिंग करा के, और फिर मैं थोड़ा सा वैसे टॉपर था कि यार ये परसेंटेज में भी फोड़ता है, और ये छोटे लोगों से भी बात करता व्यवहार व्यवहार है भी ना, अच्छा है इसका। अच्छा है। तो वैसे था, तो टॉपर था, और मैंने आईसीएसई बोर्ड था, जो कि इजी होता है, मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब मैंने 11th 12th कोटा में गया, और वहां सीबीएसई बोर्ड था, तो मेरे तो लग गया यार, मेरे को सही में लगा कि यार 8% तो वैसे ही कब हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत इजी था। तो मैंने 95% मारे थे बोर्ड्स में। तो ओ भाई पापा ने साहब बोला आईटी करने वहां जाते हैं, तो मैं चले गया वहां पे। और भाई वहां 11th 12th में जो बंसल क्लासेस, मैंने जो स्ट्रगल किया है, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यार यहाँ पे मैं बैक बेंचर था। वो जो लाइफ का चेंज आया ना एकदम से, टॉपर से मेरे को समझ नहीं आ रहे, लॉक टेबल यूज नहीं कर पा रहा था मैं ढंग से वहां पे, और आईटी की कोचिंग चल रही है, समझ नहीं आ रहा। तो फिर 12th में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, लेकिन बहुत पीछे हुआ, वो उतना पीछे कि आईटी नहीं मिल रही थी मेरे को, आईएसएम धनबाद में कोल माइनिंग मिल रही थी। मैंने बोला यार ये तो यार बहुत आईआईटी ही, से सीधा गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ बिल्कुल। एक मिनट, ये मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, साउंड क्लियर है ना मेरी, हाँ हाँ बढ़िया मस्त। हाँ हाँ बता हाँ देना कुछ। तो फिर मेरे ईगो पे आ गया यार कि यार सेकंड अटेम्प्ट तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं हार सकता। फिर सेकंड अटेम्प्ट लिया, तब मैंने कोचिंग क्लास थी रेजोनेंस। फिर सेकंड अटेम्प्ट मेरी बहुत अच्छी रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक 165। और मेरा तब से ये था कि मुझे जाना तो बॉम्बे ही है, किसी और क्योंकि आईआईटी यार में नहीं छोटे जाना है। शहर, हाँ नहीं, बॉम्बे में भली कितनी भी नीचे रैंक मिल जाए, है ना, मुझे जाना आईटी है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि ब्रांच क्या मिले, सिविल मिले, मेटा हाँ मिले, आईटी चलो बॉम्बे में माइनिंग भी मिलेगी तो मैं चले जाऊंगा, भाई आईटी बॉम्बे जाना है। हाँ, बट रैंक अच्छी थी, तो मेरे को इलेक्ट्रिकल में डुअल मिला, मैकेनिकल बीटेक मिल जाता, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिकल डुअल, क्योंकि यार हमेशा बॉम्बे का वो सपना होता है ना बचपन से। हाँ देख, इंडिया में 99.999% लड़कों ने वो ड्रीम अपने मन में सोचा है, या तो मैं क्रिकेटर बनूंगा या हीरो बनूंगा, हीरो बनूंगा। है ना। वो अचीव 0.001% ही करते, लेकिन वो ड्रीम देखते, तो ये था कि माया नगरी जाना है बॉम्बे। तो जब बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे में आपने एडमिशन लिया कि बॉम्बे ही जाना है आईआईटी, अगर जाना है तो चाहे कैसे भी कहीं भी, तो उस टाइम भी कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि आगे एंटरटेनमेंट फील्ड में या अच्छा हाँ, हमेशा हमेशा भाई हमेशा होता है कि यार मुझे एक्टिंग में करना है, बट फिर आईटी में गए, और यार मैं बता रहा हूँ आईटी बॉम्बे की बाहर पता नहीं क्या इमेज है पड़ाकू वाली, लेकिन आईटी बॉम्बे, आईटीज में सिर्फ घुसने के लिए पढ़ाई लगती है बहुत ज्यादा, उसके बाद में इट इज द इजिएस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज टू पास आउट फ्रॉम। अगर आप आईआईटी में फेल हो रहे हो या ड्रॉप ईयर ले रहे हो, तो मतलब आपने रियली बहुत ही हार्डवर्क किया है वहां पे फेल होने के लिए। इट इज द इजिएस्ट, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इजी यार, क्योंकि वही प्रोफ पढ़ा रहा है, वही उसके नोट्स और उसी में से एग्जाम है, इतना इजी क्या ये होगा बाकियों में पढ़ने। आईआईटी की इमेज है वैसे बहुत। जब तक मैं आईआईटी को जानता नहीं था, किसी से मिला नहीं था, आईआईटी के अंदर कभी घुसा ही नहीं था, तो आईआईटी बाहर से ऐसा एक वो इमेज थी कि आईआईटी में तो पता नहीं क्या ही होता है, अंदर घुसते क्या रॉकेट साइंस ही चल रही होगी। और अंदर मैं बच्चों से मिला तो कोई गिटार सिखा रहा है, कोई चिल कर रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, आईआईटी को छोड़ के सब चीज हो रही है उधर। निशांत भाई, हमारा शुरू का 1 महीना ही होता है ओरिएंटेशन, हाँ उसमें हमें फोटोग्राफी क्लब ओरिएंटेशन, डांसिंग क्लब ओरिएंटेशन, थिएटर क्लब ओरिएंटेशन, सारे एक्स्ट्रा करिकुलर जो लाइफ में कभी पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट होता है, वो सारे वो सारे दिखाए जाते हैं। मैराथन का ओरिएंटेशन हो रहा है, ये वो, तो फर्स्ट ईयर में आपको लगता है यार ये क्या बुफे ऑफ एंटरटेनमेंट मुझे एक्सपोज हो गया यार ये तो। और लैन जो लोकल नेटवर्क होता है, हाँ वहां पे आपके जो देखना आपको
वर्ल्ड की कोई भी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट से लेके यहां से लेके फ्रेंच फिल्म से लेके स्पेनिश फिल्म से लेके अमेरिकन सिटकॉम से लेके जो आपको देखना आप टाइप करो वहां पे डेटाबेस है, तो आप एक्सपोज जाते हो एकदम से यार ये वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी मेरी लाइफ में। उसके पहले मैंने लैन पे सिर्फ फोन देखा था साइबर कैफे में जाके, दैट्स इट। अभी मुझे मैं डाल दू साइनफील्ड स्पेशल एग्जिस्ट करता है, मैं डाल दू फ्रेंच पॉर्न एग्जिस्ट करता है, मतलब मैं कुछ भी कीवर्ड डाल दू, कुछ भी कीवर्ड डाल दू। तो हमारे आधे टाइम तो ये काम रहता था, जो फ्रेंड्स का आईआईटी में हो नहीं पाया तो मेरे आधे फ्रेंड्स पुणे में रहते थे, उनका प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो जब उनसे मिलने जाते थे तो यही काम होता था, हार्ड डिस्क में पूरा डेटा लेके जाओ, बस ये फिल्म चाहिए, ये पॉर्न चाहिए, ये गाना चाहिए, तो यही काम होता था कि हार्ड डिस्क में बस डेटा लेके जा रहे उनके। अमेरिका से दोस्त जब वापस आ रहा है तो मेरे लिए एक आईफोन ले आना, एक मैकबुक ले आना, एक वो ले आना, एयरपोर्ट ले आना, जैसे मेरे लिए डेटा में ये सब ले आना, ये बस लोग होते हैं यार, ये मूवी चाहिए, ये सिटकॉम चाहिए, ये पॉर्न चाहिए बस। और पॉर्न जो आप पॉर्न हब पे देखते हो ना अभी कैटेगरीज, उससे वेल रिफाइंड कैटेगरीज हमने तब देखी, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो चाहिए जो डालो आपको दर्र करके आता है। तो यार तो आईआईटी में जब आप जाते हो तो फर्स्ट ईयर, और आईआईटी के अंदर पास होना बहुत ईजी है ना, क्योंकि आईआईटी के घुसने में इतनी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है टफ वाली, के अंदर ना आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ो, लास्ट डे कोई हमारा टॉपर होता था हर विंग में, उसके पास गए भाई पढ़ा दे, और वो नहीं पढ़ाएगा तो उसको सब बॉयकॉट कर देंगे, तो उसको पढ़ाना पड़ता था क्योंकि क्योंकि यार सेमेस्टर के एंड में तेरी हमें तू भगवान है तू गॉड है करके आ रहे, उसके बाद तो गांडी मारेंगे लोग कि वेज तू इसने चीटिंग नहीं करवाई, इसने पढ़ाया नहीं, रहना तो उधर ही है ना, वहां पे थोड़ी जाएगा, वहां पे थोड़ी बोलेगा पापा मेरे साथ ये हो रहा है ये हो गया तो और मारेंगे कि ये तो पापा को शिकायत करता है। और बेस्ट होता था कि गर्ल्स हर बैच में तीन चार गर्ल्स होती थी हर डिपार्टमेंट में, उनके नोट जेरोक्स करा दिए, उससे बेस्ट नोट्स प्रोफेसर के पास भी नहीं होते हैं, ठीक है, वो हर आईआईटी के जेरोक्स शॉप में, हर हॉस्टल के पास जेरोक्स शॉप होती है, और वहां पे बाय डिफॉल्ट जिसका जो एग्जाम है उस लड़की के जेरोक्स नोट्स उसके पास ऑलरेडी होते हैं, उस जेरोक्स वाले जुगाड़ के रखता कई बार तो के यार ये आएंगे लेने। तो इतने फाइन नोट्स मिल जाते थे, किसी लड़की के जेरोक्स करा दिया बस रात को पढ़ लिया और छग्गी सतिया मार लेते, इतना सा बेसिक दो घंटे पढ़ के। तो आईआईटी में और ये आप सब चीजें सीखते हो, और फर्स्ट टाइम है वहां पे ड्रामा हो रहा है, और ड्रामा होता है तो हमारे होता था फ्रेशीज को हर हॉस्टल होते थे 13 हॉस्टल जिसमें 10 और 11 था गर्ल्स हॉस्टल, अभी शायद 16-17 हॉस्टल हो गए बॉम्बे। तो फ्रेशी करके कॉम्पिटिशन होता था हर हॉस्टल में फ्रेशर्स का, ठीक है, तो हर फ्रेशर का ड्रामा करना पड़ेगा, तो जबरदस्ती सीनियर्स पढ़ा कराते थे ड्रामा, और मेरे को लकीली क्योंकि मेरे दाढ़ी वाड़ी मुझे आती नहीं थी तो मेरे को लड़की बना दिया क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, स्कर्ट स्कर्ट और संतरे लगा के और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल कर चुके, लाइट कॉमेडी लाइट वर्जन हो चुका है, ओहो संतरे ओपी। तो वहां पे अब फर्स्ट ईयर में अभी सीनियर ने बोल दिया सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के ये बनना है तो बनना है, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते उसमें, और नहीं करेंगे तो साले क्या करेंगे फिर आपको लाइट्स में लगा देंगे, है ना, यूनी क्या बच जाओगे, आपको लाइट में लगा देंगे, घटिया काम करवाएंगे फिर आपसे कि भाई थिएटर हो रहा है इनका सोफा सेट चाहिए तो ये इसकी जिम्मेदारी है सोफा लगाएगा स्टेज पे। तो मैंने बोला यार ये भी मिल रहा है कर लो, और अटेंशन तो मिलता ही है, उसमें ये लगता था कि शायद मैं लड़की हूंगा तो लड़कियां पता करेंगी ना ये लड़की कौन बना है, शायद उसके तरह कुछ लड़कियों में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, नहीं ये तो हमारी तरह ही दिखता है क्योंकि उसमें आप सिर्फ फीमेल इंटरेक्शन के लिए जीरो होते हो यार, क्योंकि हमेशा से बॉयज 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 बॉयज, चाहे वैसे मिल जाए चाहे सहेली बन के मिल जाए, हाँ कि भाई एक बार बातचीत तो स्टार्ट हो उसके बाद तो मैं बता दूंगा कि संतरे संतरे निकाल दूंगा कि एक तू खा एक मैं खाता हूं के, क्योंकि यार मैं 7 साल का था तब से मैं बोर्डिंग हॉस्टल में रहा हूँ सेंट मेरीज हाई स्कूल करके माउंट आबू, सिर्फ लड़के, कोटा में 11 12 ड्रॉप ईयर सिर्फ लड़के, फिर आईटी बॉम्बे में गए वहां पे भी 95% रेशो लड़कों का था, तो वो होता था कि यार किसी तरह बातचीत मिल जाए तो एटलीस्ट एक फीमेल इंटरेक्शन तो स्टार्ट हो यार, कि लड़कियों की कंपनी कैसी होती वही नहीं बताती यार। तो आप आईटी में इतनी सारी चीजों से इंट्रोड्यूस होते हो ना तो फिर आपको एक में इंटरेस्ट आ ही जाता है कोई सिंगिंग में, काफी लोग डांस क्लब ज्वाइन करते थे क्योंकि सबसे ज्यादा फीमेल पार्टिसिपेशन डांस क्लब में होता था क्योंकि लड़कियां बाय डिफॉल्ट ही गुड डांसर्स होती है,
और उनको डांस सबसे नेचुरल इजीली आता है। और सिंगिंग विंगिंग में तो ऐसा है ना, दूसरे जितने भी आर्ट फॉर्म है उसमें ऐसे दूर दूर, डांस में शायद हाथ वाथ पकड़ने को। हाँ डांस में वो भी होता है कि भाई कपल डांस होगा थोड़ा वो, है ना, और डांस में बहुत इजी भी है कॉम्प्लीमेंट देना हर बंदी को कि आप बहुत अच्छा डांस करती हो, उसको भी नहीं लगेगा कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि डांसर वो बाय नेचुरली अच्छे होते ही हैं, और वो लड़कों, रिदम इतने रहता ही लड़कों है। के बीच में लड़कियां तो अच्छा डांस ऑटोमेटिकली। हाँ, तो डांस क्लब में सारे लौंडे लोग पहुंच जाते थे, ठीक है, और फिर वहां पे सब रिजेक्ट हो के फाइनली जो, क्योंकि क्लब का भी होता है ना कि इतने ही लोग लेंगे, क्योंकि क्लब वाला जो चला रहा है डांस क्लब वो भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर, उसको पता है कौन लौंडे आ रहे हैं, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले इतने हरामी क्योंकि वो सिंगल है, तो वो सोच रहे हैं फ्रेशी गर्ल में मैं कुछ रिक्रूट कर लूं अपना, तो पूरा आईआईटी सब अपने अपने में जो जुगाड़ भी, में। आईआईटी में कोई भी मेल की हर एक्टिविटी का पर्पस ही रहता था किसी तरह फीमेल इंटरेक्शन मेरा हो जाए, तो सीनियर बैच वाले फ्रेशर बैच में लगे हुए हैं, है ना, तो इसी तरह आप जब इंट्रोड्यूस होते हो काफी सारी चीजों से। तो मैं फर्स्ट ईयर में ऐसे ड्रामा से मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था, और फर्स्ट टाइम जब हमारा ओरिएंटेशन हुआ था ना, तो मोनो एक्टिंग ओरिएंटेशन भी हुआ था कि मोनो एक्टिंग करेंगे सीनियर्स, अच्छा तो उसमें रिवाल्डो सेकंड ईयर में थे, मेरे सीनियर थे नितिन गुप्ता करके, रिवाल्डो कॉमेडियन है, हाँ तो रिवाल्डो ने मोनो एक्टिंग की थी जिस वॉज बेसिकली 10 मिनट का स्टैंड अप, लेकिन उस समय स्टैंड अप वर्ड नहीं आया था क्योंकि लाफ्टर हाँ चैलेंज नहीं आया था तब तक, अच्छा, लाफ्टर वो चैलेंज उसके कब की 3 साल बात है बाद ये? आया था, ये बात है 2003 की, मेरा फर्स्ट ईयर, और लाफ्टर चैलेंज आया 2006 में, मेरे थर्ड ईयर, ओके ओके तो रिवाल्डो ने किया और ब्लो अवे हो गए यार कि ये क्या चीज है यार, कि यार ये क्या बंदा आया, उसने हंसाया और सारे लड़के लोग पागल। एक तो जब पागल। आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आप बहुत इंप्रेशनल भी होते हो कि आपने आज तक कुछ आर्ट फॉर्म देखी नहीं है लाइव, है ना, तो छोटे छोटे जोक पे बहुत जोर जोर से हंसते हम लोग क्योंकि पहली बार दिख रहा है ये तो क्या हो रहा है, और मुझे अच्छा इतना अच्छा लगा था। तो रिवाल्डो की 2 शो थे, 8:30 से 9:30, और अगले दिन फिर से था 8:30 से 9:30, क्योंकि जो हमारा ऑडिटोरियम था 300 लोग का ही था, हाँ है ना, हाँ और जो बैच आता है बैच में 600 लोग थे, तो अच्छा मेरे को याद है मैं सेकंड ईयर जब सेकंड एंट्री थी अगले दिन मैं वापस गया पूरा देखने, और मैंने इक्वली इतना एंजॉय किया, और मैंने जाके बोला अरे ये कौन है, फिर पता चला ये तो हमारे हॉस्टल के ही है, हॉस्टल 3 में ही है, मैं बोला अरे यार ये सही है, तो रिवाल्डो की ओ में थे मतलब कभी, यार ये बंदा है यार ये क्या, और फिर मेरे को मजा आने लगा, तो मैं कैंटीन में कई बार रिवाल्डो दिखते थे और ये कैंटीन में आ रहे, तो मैं भी वहां पहुंच जाता था, और मैं जान करके दूसरे लोगों पे जोक्स मारा कि शायद वो ओवर ईयर कर ले कि ये अच्छा, कौन है। वो इम्प्रेस करने के लिए जो हम करते हैं कि अच्छा हाँ हाँ, फिर। तो फिर रिवाल्डो को लगा ये कौन है यार, ये भी इसके दो 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 तीन जोक्स तो सही लग रहे हैं मुझे, और फिर रिवाल्डो को भी ऐसा होता है ना जैसे हम सब कॉमेडियंस, हमको एक जैमिंग पार्टनर चाहिए होता है चाहिए होता है हाँ, कि ये मैं जोक्स किस पे जैम करूं, बाउंस करूं, बाउंस है कर लो। हाँ ना, और अगर उस बाउंसिंग बोर्ड से भी कुछ मिल जाए वापस तो लगता है इसको तो दोस्ती करनी है, ये तो बेस्ट बंदा है, हाँ क्योंकि मुझे अपना फायदा दिख रहा है कि यार ये मेरे को टैग भी दे देगा। तो रिवाल्डो ने फिर मुझे थोड़ा सा बुलाया कि यार आना आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट करके बुलाते थे, उन्होंने हासिल मूवी देखी थी तो सबको आर्टिस्ट, इरफान का ओए आर्टिस्ट इधर आओ ना, तो फिर रिवाल्डो अपनी स्क्रिप्ट मुझे सुनाते थे रूम पे ले जाके, और रिवाल्डो मतलब मैंने इतना अकेडमिक्सली, मैंने लोगों की फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की स्पाइरल बाउंड नहीं देखी इतनी जितनी उनकी जोक्स की थी, वो भाई साहब हाँ और वो मुझे सुनाते थे और मुझे लगता था, और वो साइनफील्ड और सब कुछ फॉलो कर रहे थे क्योंकि शायद उनको स्टैंड अप ही करना था, उनको तभी क्लियर हो गया था, काफी क्लियर था। तो हाँ मेरे को सब कुछ विरासत में रिवाल्डो के थ्रू मिल गया सब कुछ, के साइनफील्ड होता है ये देख वो देख, और रिवाल्डो जोक्स जैम करते थे मुझे लगता था कितना सही, और मैं एक दो देता था अच्छा आप ये कर सकते हो, और बोला हाँ ये सही लग रहा है, और फिर जब वो वापस होता था 3 महीने बाद वो परफॉर्मेंस, तो ऐसा होता था कि मेरे जोक्स ने बहुत बड़े अप्लॉज ब्रेक आए, तो मेरा ओ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होता था कि यार अरे यार जो मैंने दिया उसमें भी बड़ी बड़ी लाफ आ रही, मतलब मेरे में वो नैक है, और हाँ रिवाल्डो तो बोल ही रहे नैक है, तो वो तो एक अलग वैलिडेशन है ही है। हाँ तो फिर रिवाल्डो प्लेस भी करते थे, तो प्लेस में पहले मुझे छोटे मोटे रोल कि एक साइड आर्टिस्ट वाला तू भी कर ले, है ना, क्योंकि मैं हर रिहर्सल में तो रहता था एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब मैं रिवाल्डो का हर चीज में असिस्टेंट था, मतलब है ना, गुरु मतलब गुरु गुरु वाला मतलब गुरु, कि हाँ बिल्कुल चेला, गुरु वर्ड मैं चेला मतलब, हाँ है ना, कि हाँ हाँ रिवाल्डो मेरे मोदी जी और मैं उनका संबित पात्रा उस लेवल पे, के जो बोला जो खत्म भक्त वाला, हाँ वो वहां से सीखते सीखते फिर थर्ड ईयर में उन्होंने मुझे एक प्ले दिया कि ये एक प्ले तू खुद कर अब पूरा, और वो मैंने प्ले किया था कन्वर्सेशंस विद डेथ करके, वो एक्टिंग की डाला था और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ मेरा, जनता को बहुत मजा आया, तो उससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मैंने 5th ईयर में पास आउट भी हो गया, तब तक भी मैंने कभी आज तक स्टैंड अप नहीं किया था, रिवाल्डो ही करते थे और मैं बस पीछे थोड़ा राइटिंग में हेल्प किया देखने जाता और वैसे, तो थ्रू आउट फिर आईआईटी तो स्टैंड अप नहीं किया था कभी?
कभी स्टेज पे मैंने स्टैंड अप नहीं किया, मैंने सिर्फ प्ले किया था एज एन एक्टर। अच्छा ओके। फिर 2008-09 में हम पास आउट हो गए तो रोनाल्डो ने बोला कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, दो प्लेस लेके, एक प्ले मैं कर रहा हूँ, एक प्ले तू कर ले, तू भी खाली बैठा है और कुछ हो नहीं रहा। मैं जॉब छोड़ के बैठा था कि भाई मैं फायर हो गया था 6 महीने में ही, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं था, बेंच पे बैठा जॉब, रहता अच्छा था। ये मेरे लिए नई बात है, जॉब कर रखी है। हाँ 2008 से। तो बेस्ट पार्ट ये हुआ था हमारा कि हमारी जॉब लगी थी जनवरी में 2008, तो ऑल टाइम हाईएस्ट प्लेसमेंट्स हो रहे थे, ऑल टाइम हाईएस्ट आईआईटी में, क्योंकि सीन बूम था और ज्वाइनिंग थी सबकी जुलाई में। तो ज्वाइनिंग 2008 में, तब तक आ गया रिसेशन। तो कंपनी ने उस पैकेज में मैं हायर कर लिया और उनके पास काम ही नहीं है। ओहो तो हमारे लिए बेस्ट हो गया, ऑफिस जाते थे, सैलरी मस्त मिल रही है और कुछ काम नहीं, बस बेंच पे बैठे मस्त। ये एक्सटेंडेड आईआईटी हो गया, एक्सटेंडेड आईटी हो गया विद बेटर रिसोर्सेस, क्योंकि सैलरी भी आ रही है। सैलरी भी आ रही है। हाँ ये कोई घर वाली 5,000 की पॉकेट मनी नहीं, अब मुझे 50,000 रुपए मिल रहे हैं। टेन तो अब पॉकेट मनी 10 times, 10 times हो गई। और अब टाइम आ गया है अपने SB बार सुजाता पैलेस बार से जाने का, पॉप टेट। ट्रांजिशन टाइम आ गया है। तो कुछ काम ही नहीं होता था, तो मैं वहां जाता था और मैं क्या करता था, मैंने फ्रेंड्स की ना ट्रांसक्रिप्ट करके गूगल करता था। तो फ्रेंड्स के सारे एपिसोड की स्क्रिप्ट आती थी लिखी हुई, अच्छा है ना। और मैं फ्रेंड्स का बहुत बड़ा फैन था थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से, तो मैं फ्रेंड्स की सारी स्क्रिप्ट पढ़ता था और मैं देखता था क्या टेक्निक लगाई है, क्या कॉल बैक किया है ना। और तो मैं बस वही करता था, 8 घंटे वहां पे, 7 घंटे बैठने होते थे, 2 घंटे ये किए। तो उनको भी लगता था लैपटॉप पे बैठ के कुछ कर रहा है, तो उनको लग रहा है काम ही कर रहा होगा। उनको क्या पता फ्रेंड्स की स्क्रिप्ट खोल के ये 50,000 रुपए लेके फ्रेंड्स की स्क्रिप्ट में देखता था कि क्या पंचलाइन यूज की, क्या कॉल बैक किया। और एज एन एक्टर मैं एक्सरसाइज करता था कि एक बार पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली तो मैं एक्सरसाइज करता, और मैंने देखा हुआ सब थर्ड ईयर में है पूरा फ्रेंड्स। अब मैं फिफ्थ ईयर के बाद की बात कर रहा हूँ, मैं जॉब में हूँ, तो मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ता था और मैं अपने 6 characters ना अपने हिसाब से एक्ट आउट करता था कि इसमें ऐसे डिलीवरी लूंगा टाइमिंग। और फिर मैं रात को जाके वो एपिसोड देखता था कि मैं कितना क्लोज आ पाया एज ए कॉमेडियन इन टर्म्स ऑफ टेक्निक या इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग या इस जोक को मैं ऐसे लूंगा एज एन एक्टर। वो मैं एक्सरसाइज करता था, तो मुझे कुछ कुछ जगह लगता था कि यार मैंने बहुत सही लिया ये, ऑलमोस्ट मैं चैंडलर की तरह ये डिलीवरी मैंने भी सोची थी, क्योंकि चैंडलर मैंने देखा हुआ कैरेक्टर, पता है मुझे, लेकिन मैं कितना इमिटेट कर पाता हूँ इन द सेंस उस डिलीवरी वाइज। तो वो एक्सरसाइज मुझे बहुत फ्रूटफुल रही कि यार एक तो वन ऑफ द बेस्ट रिटन है फ्रेंड सिटकॉम, ऑफ कोर्स उसमें तो कोई वही नहीं था। तो वो मुझे मैं करता था। फिर 6 महीने बाद में कंपनी का ये हो गया कि भाई कुछ लोग निकालने पड़ेंगे, अब नहीं पा रहा है जॉब, उनको भी लग रहा था अब आएगा काम, अब आएगा, जैसे हमें लगता है ना अभी, अब वैक्सीन आएगी, अब वैक्सीन आएगी, अब वैक्सीन आएगी, उनको लग रहा था अब काम आएगा कंपनी के पास। लेकिन 6 महीने बाद हो गया कि काम नहीं है और अगले 6 महीने भी नहीं होने वाला है। तो उन्होंने ना 21 लोग हायर किए थे, 21 लोग ठीक है, आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी ऐसे आईआईटी से 18 लोग थे डिफरेंट आईआईटीज, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 3 लोग थे, अच्छा जिसमें मेरी वाइफ जो भी वाइफ है वो भी थी। तो मेरे वहां पे एक तो ये काम हो गया फ्रेंड्स वाली ट्रांसक्रिप्ट, और ये मैंने वाइफ वहां पे सेट कर लिया, ये मामला सेट हो गया उधर। तो ये दोनों काम हो गए बढ़िया उस ऑफिस में। उस 6 महीने में मैंने ये काम कर लिया, क्योंकि फ्रेंड्स से स्क्रिप्ट पढ़ी, एक दो डायलॉग तो वही चिपका देता था ऑफिस में कि सेंस ऑफ ह्यूमर कितना सही, उनको नहीं पता अभी पढ़ के आए हो फ्रेंड्स से, ठीक है। तो ये हो गया काम दो सही। फिर कंपनी को हो गया कि अब हमारे पास नहीं है तो फायर करने पड़ेंगे, तो उन्होंने 21 में से 18 लोग फायर किए। तो जब 18 लोग फायर हुए तो सब आईटीज के थे, तो आईटी वालों ने धमकाया कि आप हमको फायर कर रहे हो, हम क्रीम ऑफ द कंट्री है, हम प्लेसमेंट सेल को जाके बोल देंगे ये कंपनी ने धोखा किया है, तो आपको अगली बार बड़े कॉलेजेस में प्लेसमेंट में बुलाएंगे नहीं, ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। तो कंपनी की फटली यार कि ये न्यूज आर्टिकल बन जाएगा फालतू में। तो उन्होंने हमें 3 महीने की कॉम्पेंसेशन दे दी, अब ऑफिस भी नहीं आना, घर पे ही रहो और 3 महीने की सैलरी लो। मैंने बोला यार ये तो यार मतलब इससे बढ़िया क्या होता है, मतलब। तो फिर ये हो गया कि अब मुझे लगा कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, अब भगवान चाहते हैं कि अब मैं अपना पैशन फॉलो करूं, है ना, इससे बड़ा सिग्नल क्या होगा। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ जाड़ के 1 साल थिएटर में फाइट मार रहा था, और यार थिएटर बहुत टफ है यार, थिएटर में कुछ नाम बनाना, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स ये लगाई कि यार एक तो आप सीरियसली फॉलो कर रहे हो, है ना, लेकिन बाकी लोग जो है वो कॉर्पोरेट जॉब के साथ कर रहे हैं, वीकेंड को आते हैं सैटरडे संडे, ठीक है,
सैटरडे संडे में भी एक या दो घंटे आते हैं वो, उसमें भी ये है कि यार अब मैं 5 दिन अकेला करूँ क्या, मैं तो छोड़ के बैठा हूँ, मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता क्योंकि रिहर्सल के लिए सामने वाला बंदा तो चाहिए, बंदा बंदी जो भी रिहर्सल होगा, हाँ। तो मेरे पे डिपेंडेंट हूँ। प्लस वो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनका वीकेंड पे दारू का मन बन गया तो वो पार्टी कर रहे हैं, उनको थोड़ी क्या है कि उनको थोड़ी है कि मेरे को अपना सर्वाइवल है कि मैं तो छोड़ के बैठा हूँ, और सेविंग 6 महीने की हो गई थी लेकिन उसके बाद रेंट के ठिकाने नहीं है। तो प्लस फिर मैंने ये बहुत बड़ा दिमाग लगाया, मैं पृथ्वी पे प्ले देखने गया, मैंने बोला यार आज तक मैं क्या किसी का प्ले इसलिए देखने गया हूँ क्योंकि ये थिएटर से बहुत बड़ा बना है? मैं बोला नहीं, मैं हमेशा प्ले ऐसे देखने गया हूँ। अबे ये नसरुद्दीन शाह का प्ले हाँ, जिनको हाँ, मैंने मूवीज में डिस्कवर किया है, ये रजत कपूर का प्ले है जिनको मैंने मूवीज में डिस्कवर किया है, बिल्कुल okay, ये इसका प्ले है। तो मैंने लोगा यार कि मैं जो आउटसाइडर हूं, बाहर का बंदा, मैं प्ले भी इसलिए देखने जा रहा हूं क्योंकि मैंने इनको फिल्मों में देखा है। तो यार जब 20 साल से ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्ले से स्टार बना है और लोग सिर्फ प्ले के स्टार से आ रहे हैं, कॉमन लोगों में, प्ले में अपने स्टार्स हैं, थिएटर में, पृथ्वी में अपने लोग स्टार्स हैं, लेकिन एक कॉमन मैन, तो मुझे लगा यार 10-12 साल तो ऐसे लग जाएंगे, उसमें पहले तो प्ले बहुत अच्छा हो, प्ले में 10 लोग परफॉर्म करते उसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, है? और मैंने देखा साले 3 साल तो ये लोग आपसे लाइट्स और स्टेज ही करवाते हैं, क्योंकि भाई बाकी लोग भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एकदम से आपको कहां से स्टेज दे देंगे। हाँ। तो मेरे को लगा यार ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसमें तो 12 साल लग जाएंगे यार मिनिमम, और 12 साल तब लगेंगे जब मैं सब कुछ सही प्लान एग्जीक्यूट, ये बेस्ट प्लान है। ये हाँ, अगर आप सब पहले बार में क्लियर कर रहे हो, हर एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर कर रहे हो, टॉप कर रहे हो, तो 12 साल। तो मैंने मैथमेटिक्स में बोला यार तो बूढ़ा हो जाऊंगा यार, इसमें तो क्या होगा भाई, ऐसे तो मुश्किल है। तो फिर मुझे तभी मेरे फ्रेंड्स ने बताया कॉमेडी स्टोर, ये 2012 में 2010 में यहाँ पे आया इंडिया में, बॉम्बे में, और मैं फनी प्लेस ही करता था क्योंकि मैं थोड़ा फनी वाइज, क्योंकि मुझे लगता है यार प्ले प्ले में कॉलेज में रहता ना, जिसने हंसा दिया वो स्टार बन जाता फटाफट, जिसने हंसा दिया, रुलाने वाला तो कोई है, हाँ ठीक है किसान है, बारिश नहीं हुई, ओ माई गॉड रोते रहो, है अकबर भी, समझ रहा, मतलब वो वही प्लेस जो स्टैंडर्ड होते ना कि 84 पार्टीशन हो गया, ट्रेन आई, हमारे लोग उधर ही रह गए, इनके अभी उसमें लोग हंसते नहीं, और मैं आके दो चुटकुले मारे और जनता को लगता है ये कौन है भाई, क्योंकि यार इंडिया में लोगों को ये लगता है कि मुझे आप यार नवाज क्यों लोगों को बहुत पसंद है विलेन, क्योंकि नवाज इज एन एंटरटेनिंग विलेन यार, अगर नवाज आपको पकाने लग जाएगा नवाज तो आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन वो विलेन भी है, मजे वो आपको एंटरटेन कर रहा है यार, वो लाइंस मार रहा है, तो आपको लगता है यही तो बंदा है, ही इज अपीलिंग टू योर डार्क साइड या ही इज अपीलिंग टू योर वो बुली वाला साइड के यार अभी तो गांड मारते हैं लोग दोस्तों में, तो आपको मैंने ये सोच लिया कि आपको ऑडियंस का फेवरेट बनना है तो आपको एंटरटेनिंग तो होना पड़ेगा, ये तो क्लियर। तो फिर तभी ये कॉमेडी स्टोर का पता चला, मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया और रिवाल्डो भी कर रहे थे, तो रिवाल्डो ने बोला यार देख 1.5 साल हो गया तेरे थिएटर में कुछ हो नहीं रहा है, मैं फिर भी स्टैंड अप कर रहा हूँ, तो तू भी स्टैंड अप में ट्राई कर, ये कॉमेडी स्टोर में मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ, तू भी कुछ लिख, फनी करता है। मैंने बोला हाँ मैं फनी तो करता हूँ, फिर मैंने इंडियन गॉड्स वाला कुछ लिखा था उस समय, और बाउंस किया ये वो, और उसमें ये होता था ना वहाँ पे प्रॉपर सिर्फ इंग्लिश ही होता था, तो वही हिंदी में लिखते थे और जितना ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में उतना कर लिया, कि भाई हिंदी में वो बिट 9 मिनट का है तो इंग्लिश में अपना 5 मिनट का हो गया, क्योंकि 4 मिनट ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे, तो फिर वहां पे जाके करके ऑडिशन क्लियर हो गया मेरा, और उनको ऐसे लगा कि यार ये गॉड पे बात कर रहा है एजी, तो उस समय कॉमेडी स्टोर में एजी वेजी बहुत चलता था क्योंकि वो बाहर के लोग आए ना, तो मुझे मिल गया स्पॉट। तो फिर धीरे धीरे मैं वो करने लगा, और उसके जस्ट पहले मैं पहली बार मैंने किया था परफॉर्मेंस सीधा 30 मिनट करके, उसके बाद रिवाल्डो ने, तो रिवाल्डो क्या करते थे, उन्होंने बोला यार आईटी बॉम्बे तो उस समय ओपन माइक्स भी नहीं होती थी यार, तो जाए कहां पे करने, तो रिवाल्डो क्या करता था आईटी बॉम्बे में स्पॉट ले लेता था कि कैंटीन में फ्री शो है, और कैंटीन में लौंडे पड़े रहते थे, कैंटीन में लौंडे रहती थे उनको पता, और रिवाल्डो तब स्टार था लविन दिसंबर, तो रिवाल्डो को जानते थे, तो हम लोग चले जाते थे कैंटीन में 8 बजे मैच स्टार्ट होती थी, तो हम 6:30 बजे पहुंच गए वहां पे कैंटीन के बाहर, और मैच 8 बजे तो लोग आते रहते थे, और ऐसे 11 बॉयज हॉस्टल तो 11 ओपन माइक्स, अच्छा वो हर हॉस्टल की अलग अलग, हर हॉस्टल की अलग कैंटीन, ओ भाई साहब, हाँ, और कैंटीन में तो 40 लोग ही होते हैं, फिर कुछ और मिल गए, फिर टीवी रूम, तो टीवी रूम में आज क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच है तो टीवी रूम में सब लौंडे बैठे हुए, लेकिन मैच स्टार्ट होगा सो 4 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, और 1 बजे तो हम लोग 12:30 पहुंच गए टीवी रूम में, तो लौंडे लोग बैठे हुए ही है, अरे थोड़ा सुनोगे क्या,
वो टेस्ट हो गया, तो एक बेसिक आ ओहो जाता था कि क्या जोक्स वर्क करेंगे, क्योंकि उस समय मेजरली हम परफॉर्म भी इंजीनियरिंग कॉलेज में करते थे जो सेम ही क्राउड होता था, हाँ है अच्छा, ना। तो शुरुआत में वैसे जो टेस्ट, कॉलेजेस कॉलेज शोज बहुत किया आपने ना स्टार्टिंग में आई थिंक। हाँ, और कॉलेज में ही टेस्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो वो हो गया। और कॉर्पोरेट शो के टेस्ट करने के लिए हम जाते थे फिर वो टोस्ट मास्टर्स, हर कॉर्पोरेट में टोस्ट मास्टर्स होता था, या टेडेक्स टॉक में जो रिवाल्डो स्कैम करते थे वहां जाके फिर वहां टेस्ट करते थे। ये रिवाल्डो का टेडेक्स टॉक और स्कैम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो मैं सौरभ पंत की लाइव स्ट्रीम पे पढ़ा हुआ है, आप देख लेना उसमें सब ऑडियंस के लिए। ये वाला तो मुझे भी पता है, रिवाल्डो का वो वाला। और हाँ, अरे यार रिवाल्डो जैसा मैंने एंटरप्रेन्योरियल ब्रेन नहीं दिखा यार, नहीं मतलब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ नोवेयर यार, मेरे को लगा फक। जैसे अभी तो यार एक दिन में 5 ओपन माइक होते हैं यार, उसमें मेरे फर्स्ट सही राउंड बात कॉमेडी में, मैं घर पे बोल रहा हूँ प्रोफेशनल कॉमेडियन हूं मैं, और हाँ मैं साल में 2 बार स्टेज पे गया हूँ, एक ओपन माइक और एक पेड शो और मैं मार्केट में प्रोफेशनल कॉमिक बन के घूम रहा हूँ, रेज्यूमे वही में वन ऑफ इंडियाज लीडिंग कॉमेडियंस करके डाला हुआ है कॉर्पोरेट ब्रोशर में। उस टाइम महीने का शायद एक या दो ओपन माइक, मेरे को दिल्ली का याद है उस टाइम, क्योंकि हम तो दिल्ली में थे, तो महीने का एक या दो, और उसमें भी ऐसा होता था कि दो है तो आपको एक में स्पॉट मिलेगा, एक में आप देख लो कि नहीं है तो मिल जाएगा, खड़े रहना वहां पे। वो टिकट क्या होती है, वो ट्रेन में आरएसी होती है ना, वो वाला सीन। कई बार तो ओपन माइक में स्पॉट नहीं होता था, फिर भी पहुंचते थे कि शायद एक कॉमिक लेट हो जाएगा तो मैं चढ़ जाऊंगा। हाँ ये वाला भी बहुत होता था। तो ये हाँ, ये अभी मैंने देखा ये आपके बारे में जो इंस्टाग्राम पे जो बहुत चलता है, ये वो एक लाइन है जो जैसे किसी का टैग होता है, ये आग लगे बस्ती में विपुल भैया मस्ती में, ये इसके पीछे थोड़ा सा आप इसका बताएंगे क्या? यार इसके पीछे ये था कि ये 2017 से क्या था, मैं थाईलैंड में था एक बार अच्छा वाइफ के साथ में, मैं घूम रहा था थाईलैंड, और उस समय इंडिया पाकिस्तान का कुछ बहुत बड़ा मैच था, ओके या तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था या किसी का था, 17 तो में। हाँ चैंपियंस, हाँ चैंपियंस ट्रॉफी। मेरे को था कि मैच तो देखना ही है भाई। तो मैंने वहां पे वीपीएन टर्बो फोन पे डाल के, और थाईलैंड में हॉटस्टार आता नहीं है, तो हाँ, ये मेरे साथ हो चुका है। हाँ कहीं भी नहीं मैंने आता, वीपीएन दुबई टर्बो, वुबई कहीं नहीं आता। हाँ, और मैंने वाइफ से पहले ही मैंने बोला था यार ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है हम देखेंगे, तो मैंने वो परमिशन 1 महीने पहले से ले ली थी, नहीं सॉरी 5 7 दिन पहले ले ली थी, क्योंकि फाइनल तो 5 6 दिन पहले पता चलता कि ये होने वाला है, तो मैंने कहा यार फाइनल ही तो देखना ही है। और अब थाईलैंड में मैंने वीपीएन टर्बो करके हैक वैक करके मैंने हॉटस्टार खोल दिया, और मैं मैच देख रहा हूँ, और जनरली मैंने एक दारू की फोटो डाल दी कि भाई, और दारू की फोटो डाल दी कि मेरा पैक था, और पैक को आधा करके डाल दिया, यहाँ पे भी हाफ टाइम हो गया है क्योंकि मैच में हाफ टाइम ऐसे, और लाइक्स पे लाइक्स पे लाइक्स पे लाइक चल रहा है, उसमें मेरे लाइक्स आते थे मुश्किल से 800 से 900, और इस वाले पे 5,000। ओ भाई मैंने साहब, बोला यार मैं तो दारू के रोज फोटो में 5,000, अगर रोज और अटेंड मैंने मारना फर्स्ट अपग्रेड, पड़े। हाँ, और मैंने फर्स्ट अपग्रेड लिया था 800 से, मैं 200 200 2,000 पे गया था जब मैंने वाइफ के साथ फोटो डाला था, तो वो जो मैंने उसका जो बोला ये, हल्का हाँ, सा प्रीमियम मिलता है। एक जब भी आप अपने स्पाउस या पार्टनर के साथ फोटो डालते हो तो जनता, और लड़कियों के बहुत लाइक्स आते हैं उसमें कि ओ माय गॉड ही इज सो लॉयल, ही एक्सेप्ट्स हर इन पब्लिक, वैसा वाला एक आता है ना कि ये कितना सही है, देखा तुम भी कुछ सीखो ऐसे, तुम्हारा तो स्टेटस में लिखा हुआ ही नहीं है कि तुम मैरिड हो या तुम्हारा तुम कमिटेड हो, पता ही नहीं चलता, तो वो रहता है ना, तो वैसे वाला, तो वाइफ वाले पोस्ट में लाइक्स आते ज्यादा, और दारू वाला उसको भी आगे चले गया। तो मैंने बोला अब थाईलैंड ट्रिप चल रही है, और थाईलैंड ट्रिप थी 7 दिन की, तो मैंने 3 दिन बाद में एक और डाल दिया, फिर मैंने बीच में कॉफी का फोटो डाला, मॉर्निंग कॉफी, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, जीरो, बहुत घटिया, फ्लॉप हो गया, डिसअपॉइंट हो गए, क्या था, ये सब सही चल रहा था, डिसअपॉइंट, क्या बीच में कॉफी कहाँ से आ गई बीच में। कहाँ से आ गई, तो वो फ्लॉप चले गया पोस्ट, तो उस समय अपन को ऐसा लगता था कि यार एक पोस्ट फ्लॉप हो गया है, अगले पोस्ट में कमबैक करना है उस समय अलग ही चक्कर है, वो अलग ही, आप अपने छोटे से यूनिवर्स में ट्रिप पे रहते थे यार। लाओ टीचर्स। हाँ, और कॉफी वाले पे लाइक नहीं आई तो मेरा भी थोड़ा वो हो गया, मूड ऑफ हो गया ना उसमें, तो वाइफ बोल रही क्या बकवास है तेरा, वाइफ ने बोला दारू वाली डाल दे फिर से, मैंने बोला अच्छा, तो मैंने दारू वाली एक और ऐसी डाल दी अगले दिन, है ना, और फिर से लाइक्स बढ़ गए, मैंने बोला ये सही है क्या यार, ये दारू की फोटो डालते हैं लोग अलग ही ट्रिप पे, फिर ऐसे चलता रहा, फिर एक दिन मैंने बोला दारू वाला कैसेट इसको और क्या टॉपअप करे, तो एक दिन मैंने वाइफ के साथ दारू पीते हुए डाल दी, तो ऑल टाइम हाईएस्ट, वाइफ भी आ गई और दारू भी आ गई, मैं बोला सब कंबाइन कर देता हूं मैं तो, ओहो और मैं अपने शो की फोटो डालता था,
के बुक का टिकट्स, ये मेमे शो है, उस पे सबसे कम लाइक आते हैं, हमेशा सबसे कम लाइक आते हैं, 200-300 लाइक। मैं बोला ये क्या हरामी लोग है यार, काम की बात करो कि भाई टिकट ले लो, मैंने आपको इतना हंसाया है तो आ जाओ शो में, पैसे दे दो मेरे को 500 रुपए, तब नहीं। और साला बॉम्बे का शो डालेंगे तो लखनऊ का बारे हो, लखनऊ का शो डालेंगे तो बॉम्बे का बारे हो, ये अलग ही। तो फिर ऐसे चलता रहा, तो काफी टाइम तक जो भी मेरा पोस्ट फ्लॉप होता था ना, तो मेरा कमबैक पोस्ट होता था दारू के साथ, और मुझे कई बार पता भी नहीं चलता था आज क्रिकेट का मैच है। अच्छा, मुझे ना लोग भेजते थे, भाई आज क्रिकेट का मैच है, दारू की फोटो नहीं आई ओपनिंग सेरेमनी। बोला अच्छा, हाँ ओपनिंग सेरेमनी। तो मैंने, और मेरे को भी लगा हाँ यार क्रिकेट मैच और दारू की फोटो नहीं डाली, मतलब आई एम लूजिंग आउट ऑन लाइक्स अपॉर्चुनिटी। तो एक घंटे पहले दारू पीते, दोस्तों आप लोगों का वार्म अप कैसे चल रहा है? बेसिकली दारू पी के कुछ भी। हाँ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने देखा कि लोग ना अपने दारू पीते मुझे फोटोज भेजने लग गए, कि सर हम भी पी रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे ये आने लगते थे कि अपने फोटोज आ रहे हैं, और मुझे लगा यार ये तो, मेरे को लगा यार ये मेरी इमेज भी बन रही है और टिकट भी नहीं बिक रहे, अगर टिकट बिकते और ये इमेज बन रही तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। कि टिकट बिक रहे फिर क्या फर्क पड़े, कोई बेवड़ा समझ के आए, कोई कॉमेडियन समझ गया है, स्टेज पे आने के बाद तो मैं दुकान खोलूंगा कि भाई ये माल है। तो फिर मैंने देखा यार ये तो हर चीज में, मैं कुछ काम की बात कर रहा हूँ तभी वही बेवड़े। तो मैंने बोला इस चीज को, फिर लोग मेरे को कुछ कुछ मीम में टैग करके आग लगी बस्ती में, विपुल भैया बस्ती में करके कर दिया। तो फिर मैंने जो अभी रैंट सीरीज करी थी ना, तो मैंने बोला रैंट सीरीज में मैं ये एड्रेस करता हूँ, क्योंकि रैंट सीरीज में क्या आप काफी आई फॉर्मेट एड्रेस कर सकते हो, जैसे अब मैं स्टेज पे ये करूँ तो अगर उस ऑडियंस को नहीं पता है कि इसकी ऐसी इमेज है पब्लिक, पब्लिक इमेज पे दारू फॉलो कर रही है इसकी है, तो वो आइसोलेट हो जाएगी फिर से उनको सब, अगर हो सकता है कोई इसलिए आया शो में क्योंकि पिछले शो में उसका दोस्त आया था, उसने बोला विपुल का शो देख बढ़िया है, तो उसको पता नहीं होगा कि इसकी ये इमेज है। तो मैंने बोला रेंट में बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरी इमेज है, तो बिल्कुल उस ऑडियंस में हिट हो रहा है, वो कैरेक्टर बैठता भी बहुत फिट है, वो इतना क्लोज है असली विपुल को। तो वो बिल्कुल मैं रियल में वही हूँ लाइफ में, और प्लस एक्चुअल में क्या मेरे जो सारे स्टैंड अप वीडियोस है ना अभी तक जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, इवन जो लेटेस्ट जो मैंने फैब वाला डाला है वो भी शूट हुआ है 2017 का है, जो बहू की स्लीवलेस और इंटरनेट का गुस्सा। जब हम ह्यूमरसली, वो मैंने जब हम सुना हुआ है पहले का, हमने अहमदाबाद में एक शो किया था जब मैंने पहली बार सुना था, जो हमने ह्यूमरसली और वेब सीरीज के सीजन 2 के लिए शूट किए हुए थे, लेकिन वो रिलीज होने में 1.5 साल हो गया, वेब सीरीज डिले हो गई शूट रिलीज होने में, तो मेरा सारा स्टैंड अप वो रिलीज मैंने अब किया है। तो जो मेरा रियल लाइफ जो अभी रेंट वाला कैरेक्टर है, वो पिछले 2.5 साल से 2.5 ईयर से मेरा वही स्टेज कैरेक्टर भी है जो रेंट वाला कैरेक्टर है, लेकिन सारी स्टैंड अप क्लिपिंग्स उसके पहले की है जो डिलीवरी है, तो इसलिए उसमें लगता है कि कितना अच्छा बच्चा है अपना, आया चुटकुले सुनाए निकल गया। और अभी लगता है कि हम माधुरचोद आदमी यार, ये क्या कुछ भी बोल रहा है ना, कुछ करना मत, ले लेगा भाई ये कपड़े उतार देगा। हाँ, तो अभी वो रंजीत वालिया वाली फील आती है और उसमें विपुल वाली फील आती थी, तो अभी क्योंकि मेरा ऑन स्टेज कैरेक्टर भी है इसलिए वो रैंट बड़ा स्लीमलेस सीमलेस सा लगता है, क्योंकि मैं ऑन स्टेज कैरेक्टर मेरा वही है जो मैं बोल के कर रहा हूँ, वरना इतना ट्रांजिशन, क्योंकि आपको खुद को लगता है रूड है यार, मेरे को खुद को कई बार लग के होता है रूड, तो मैंने बीच में किया कि रेंट के एंड में मैं स्माइल कर देता था जब खत्म हो गया पूरा, कि लोगों को ये नहीं लगे कि ये बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि मुझे लगा मैं बीच में तोड़ूंगा तो कैरेक्टर टूट जाएगा, लोगों को मजा ही है कि बंदा गुस्से में डांट रहा है, और एंड में मैं शुरू शुरू में हल्की सी स्माइल छोड़ देता था कि भाई ये सीरियस नहीं है, लेकिन अभी मैं एंड में भी गुस्से में जाता हूँ, अभी वो कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो गया है, चल लेता हूँ जो जैसे बिके ये भी है। तो वो लाइन मैंने उस रेंट में डाली थी, तो रेंट की वजह से वो लाइन थोड़ी पिकअप हो गई। तो मेरे को लगा यार जो भी कैच फ्रेज आपके साथ एसोसिएट हो, वो मतलब एक कैच फ्रेज एसोसिएट होना बहुत जरूरी है ना परफॉर्मर के लिए, जैसे जाकिर का सख्त लौंडा है ये है, तो मेरा सख्त लौंडा तो बहुत बड़े लेवल पे है, बट मेरा उसका एक X/10 लेवल पे एक आग लगी बस्ती में विपुल भैया मस्ती में थोड़ा सा चल गया। यार मैंने देखा है आप अच्छे काम करो ना, चैरिटी करो, एनजीओ करो, लोगों को मजा नहीं है, लेकिन दारू पियो, जॉइंट मारते हुए डाल दो तो ओ माय गॉड ओपी हो रहा है, बोला यार लोगों का यही जिए। चैट पढ़ लेता हूँ तब तक, चैट विपुल भैया मस्ती में ओपी हो जाए, विपुल भैया मस्ती में ओपी। अभिलाष ने लिखा है कि विपुल भाई को पूछो कितनी POR ले रखी थी, कितनी क्या POR ले रखी थी, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ऐसे ही मतलब होगा या तो वही होगा या कुछ हाईफाई होगा जो यार, पता नहीं, अगर वो है और ये IT का बंदा है तो मैं सेकंड ईयर में मैथ सेक्रेटरी था
क्योंकि हाँ, वो हाँ, इजीएस्ट जॉब वही है होता है वही उसमें है, कुछ आईटी नहीं का कर, बनता है। हाँ मैं सेक्रेटरी में कुछ नहीं करना होता, आपको बस जाके खाना चखना होता है उसमें भी उसमें भी दो होते हैं मैं सेक्रेटरी, तो वो दूसरा वाला ही काम करता था। मैं उसमें भी कभी कभी आधे टाइम तो लोगों को ये गुस्सा था कि मैं सेक्रेटरी कैंटीन में खाता है, ये कितनी बैड ब्रांडिंग है फॉर मैस तो और मैं सेक्रेटरी बोलता ना शेफ के पास जाके, ये क्या है थोड़ा डंका बनाओ ऐसे। तो मैं बहुत ही कामचोर निठल्ला, मैं तो अभी सोचता हूँ थैंक गॉड यार ये कॉमेडी चल गई, वरना ये लाइफ बड़ी टफ हो जाती है यार। बस ये तो मैं तो रोज सुबह उठ के ऐसे हाथ जोड़ता हूँ मैंने गलती से और ना एक पैंडेमिक बार आराम आराम नगर है ना यहाँ बॉम्बे में, जहाँ वो होते हैं आपके स्ट्रगलर्स वो क्या बोलते हैं उसको, ऑडिशन ऑडिशन होते हैं आराम नगर करके एक जगह है। मुझे ना मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, तो शिफ्ट होने के कुछ ऐसे 4 महीने 3 महीने बाद ही, बहुत ही एकदम मतलब बॉम्बे की हवा भी फिकर नहीं हुई थी तब तक, एक फ्लिपकार्ट के ऐड के लिए बोला कि आप ऑडिशन दे दो और आपको कुछ नहीं आके बस अरे एक वो करके देना। मैं गया भाई साहब आराम नगर, मेरी जो आंखें खुली है, मैंने कॉमेडी के पैर छुए कि उधर मैंने देखा तो ऐसे लोग बस्ता लटका के रैंडमली हर एक दरवाजे पे जा रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं कि आज क्या प्रोफाइल चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, और अंदर वो जो क्या बोलते हैं उनको कास्टिंग डायरेक्टर जो डिसाइड करते हैं, क्या बोलते हैं उन लोगों को जो भी एजेंट या जो भी होते हैं, वो भाई साहब इतने मुंह पे रूड, कास्टिंग इतने मुंह पे रूड, ऐसे एक बंदे को आके बोला शक्ल देखी तेरी लग रहा है तू डॉक्टर है, साले आ गया डॉक्टर, चल ऐसे ऐसे करके भगा रहे हैं लोगों को यार, ऑडिशनिंग इतना ह्यूमिलिएटिंग प्रोसेस होता है यार। मैं बता रहा हूं, अगर आपको आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत हाँ खुश हो, आप कॉर्पोरेट शो करके आए हो, है ना, हाँ आपका चेक भी आ गया है ना, आपकी आज आपकी वाइफ ने भी बोला है विपुल यू आर सच अ लवेबल पर्सन, ठीक है, मतलब ऑल टाइम सही चल रहा हो, हाई पे और आप अपने। हाँ आप आराम नगर चले जाओ, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो आराम नगर 1-2 में चले जाओ, 2 है 1 और 2, आप डिप्रेस हो जाओगे यार। मतलब इतना वहां पे, एक तो ऑब्जेक्टिफिकेशन आपका जो होता है, फर्स्ट टाइम मैंने मेल ऑब्जेक्टिफिकेशन देखा कि वो पहली बार फील हुआ कि यार मेरी बॉडी पे इसकी तोंद है, निकल जा। और वहां पे आप जब ऑडिशन देने जाते हो, इतने सुंदर लड़के, हाँ मैं हाँ लड़कियों की बात भी नहीं कर रहा हूं अभी, लड़कियां तो हाँ भूल जाओ, वो तो ये अलग लेवल पे ही डोले है। ये डिम्पल सब के सब गोरे चिट्टे लंबे चौड़े। हाँ मतलब बॉडी फैट 0.01% पे जी रहे हैं, इतने हाँ मतलब इतना सिमेट्रिकल फिगर मैंने सिर्फ हिरण को देखा है, बिल्कुल सिमेट्री, समझ रहे हो। और आपको देख रहा हूं यार, ये इस ऑडिशन के लिए मैं भी हूं और ये भी है, मतलब मैं खुद अपने आप को रिजेक्ट कर दूंगा कि ये कौन चूतिया है यार, ये कितना सुंदर आदमी है। और वहां और जब ये कास्टिंग वाले जब बुलाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि क्लाइंट ने बोला है विपुल ही चाहिए, इसके बिना ऐड हो ही नहीं पाएगा, हाँ 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 आप उधर आ जाओ। जाके ये उधर जाके लगता है ऐसे 20 लोग बैठे और वो हाँ आ गए, हाँ बैठ, तब लगता है अरे इसने सबको ऐसी कॉल किया, क्योंकि इनको क्लाइंट को दिखाना होता है कि हमने 10 लोगों को टेस्ट किया है। और उधर उधर जाके एक बोर्ड पे अपना नाम लिखना होता है, ऐसे अपना फोन नंबर और लिखना होता है, ऐसे खड़े हो फिर ऐसे खड़े हो फिर ऐसे खड़े हो, ओ ऐसे खड़े भाई हो, माई प्रोफाइल्स, माई हाइट, माई वेट, माई एज, हाँ ओहो ओ ऐसा माय गॉड यार। और उस समय इतना ह्यूमिलिएटिंग प्रोसेस, और फॉक ऑडिशन में, मतलब इसलिए स्टार किड्स ऑडिशन नहीं करते यार, नेपोटिज्म बनना यार वो कर्स हो जाएगा मतलब मैं उनका खुद उनका उनका मैक्सिमम ऑडिशन 9 महीने हो चुका है पेट में वो करके है, उनका ये वो मैक्सिमम वही है। मैं खुद नेपोटिज्म के अगेंस्ट हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मन ही मन सोचता हूँ कि यार बिना ऑडिशन के कास्ट हो सकता हूँ क्या इसमें, मैं मेरे क्या मेरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टैग से मुझे मिल सकता है क्या ये ऐड, कि मेरे को ये ऑडिशन, यार देख लो ना मेरा काम वेब सीरीज है ना, दो एक्टिंग वैसी उधर तो देख एक्टिंग लो, हाँ करूंगा, स्टेज पे वो वही तो देख लो। एक्टिंग है, कोई मैं स्टेज वाली वो रहेगी और एक्टिंग वाली वो रहेगी, ऐसे कुछ मैं अपने आप को मार्केट में बोल भी नहीं रहा हूँ कि वर्सेटाइल एक्टर हूँ, वही कॉमन मैन एक्टर हूँ देख लो। तो यार वो जो प्रोसेस है यार, और मेरे को लगता है फिल्म मेकिंग या इस तरह में आपको हिट होना कितना, बहुत जैसे स्टैंड अप का मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में, हाँ मैं हूं और मेरा माइक है हाँ और ये मेरा ऑफिस है, हम लोग आधे जोक्स तो फ्लाइट में लिखते हैं जब फ्लाइट मोड में होते हैं, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं आता, तो हमें भी लगता है कुछ काम करूं यार, कुछ कैसे टाइम करने पास को करूं, है नहीं, बैठ के अपना वो खोला और चलो कुछ लिख लेते हैं, है ना। हाँ मेरे ख्याल तो से मुझे लगता है सबका सबका फ्लाइट वाला सेट तो वहीं से निकला होगा, फ्लाइट में बैठे बैठे ही निकला होगा। हाँ, फ्लाइट में बैठे बैठे सबका फ्लाइट पे होगा, एक फ्लाइट के रेस्टोरेंट्स में, एयरपोर्ट पे क्या होता है होता ना। तो यार मुझे लगा कि यार ये कितना लिबरेटिंग है, मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूं यार। एड में क्या है, पहले तो कोई राइटर, दुनिया का कोई राइटर किसी रूम में बैठ के गांजा फूंक के स्क्रिप्ट लिख रहा होगा, है ठीक है,
फिर वो जाके किसी डायरेक्टर को अप्रोच करेगा, फिर वो कोई पसंद करेगा, फिर कोई डायरेक्टर बोलेगा नहीं मैं बनाऊंगा, फिर वो प्रोड्यूसर ढूंढेंगे, फिर प्रोड्यूसर बुलाएगा, फिर वो एक्ट्रेस का कास्टिंग होगी, उसमें आप कभी सेलेक्ट होंगे, फिर म्यूजिक ड्रेस सब कुछ डिपार्टमेंट इन सिंक होगा, और मूवी या वो एड रिलीज होगा, और फिर वो हिट होगी, और फिर उसमें आपका काम हिट होगा, तो तब जाके आप रिकॉग्नाइज होंगे। हाँ। और एक भी डिपार्टमेंट ने हक दिया बीच में, प्रोडक्शन वाले ने हक दिया, ये हक दिया तो प्रोडक्ट गया। तो मैं इतने इतने फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है यार। स्टैंड अप में क्या है, मैं हीरो हूँ या मैच हीरो, या तो मैंने हगा या मैंने मचाया, या आपने छक्का मारा या आप आउट हुए हो, आपके हाथ में बैट है, वो आप ऐसी बैटिंग करते हो उसमें कोई और वो नहीं, आपके ऊपर है। और जब मैं वो 30 मिनट स्टेज पे हूँ तो मैं हीरो, मैं अल्फा वेल उस ग्रुप का, उस रूम का। तो और वो कोकेन ड्रग है यार, वो उससे ज्यादा तो जो रश हम चार लोगों में जोक भी इसलिए सुनाते हैं दोस्तों में, जब कॉलेज में होते थे, कि जैसे कोई अच्छा जोक मारेगा वो अल्फा मेल हो जाएगा ग्रुप का। यहाँ पे मैं 300 लोगों के ग्रुप में अल्फा मेल हूँ जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। तो उससे बड़ा पावर किक क्या ही होगा। और लाइव फीडबैक लाइव एक्टिंग में क्या साला, तुमने शूट 4 महीने पहले किया, वो जब तक रिलीज होता है तुम इमोशनली डिटैच्ड हो। मूवीज तो दो दो साल बाद पता नहीं कब रिलीज होती है, इंसान वैसा दिखता नहीं है जब उसने मूवी में शूट में जैसा था, और तब जाके वो भी, और वो एक फ्राइडे को आते ही कि चली तो चली, नहीं चली तो पूरा तुम्हारा, और नहीं चली तो ऐसा लगता है कि पूरा 1 साल वेस्ट हो गया। हाँ पूरा वो, यहाँ पे हमको 20 सेकंड में फीडबैक मिल रहा है यार। और मुझे लगता था ना कि एड्स में ना पैसे वैसे भी बहुत है, मुझे ऐसा लगता था कि एड में आते टीवी पे आते हो तो पैसा भी वैसा मिलता होगा, फिर मुझे पता पड़ा कि एड में ऐसे, मैं यार इससे तो फिर अपना कैनवस क्या बुरा है। कैनवस क्या बुरा है, इतना अच्छा है। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया से भी हो गया ना कि जो छोटे मोटे ब्रांड एंगेजमेंट्स आते हैं वो हमारे नाम पे आते हैं, कि भी इंस्टा पे डाल दो, तो वो थोड़ा एक्टिंग कीड़ा वहां पे भी सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं जाता है। क्योंकि यार वो होता ना कि देखो सब, जब मैं बॉम्बे आया था ट्रेन तो मैंने भी यही पकड़ी थी कि शाहरुख खान बनना है। वो अभी बने सुनील पाल है वो अलग बात है, लेकिन वो जो एक एक हार्ट में कहीं शाहरुख खान वाला सपना है, जो वेब सीरीज के थ्रू कहीं छोटा मोटा एक्टिंग वाला, हाँ नहीं मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा देखो, है ना। तो यार वो तो है। चैट पर लेते हैं। अपूर्व बोले थैंक्स निशांत भाई फॉर दिस लाइव ऑन योर चैनल, थैंक यू अपूर्व। पंकज सर स्लो मोड ऑन कर दीजिए, कर दिया जी। डेनी भाई ओपी एनालिसिस काफी लोगों को इंस्पायर कर दिया, विपुल भाई आपके लिए ये, डेनी बोल रहे हैं काफी लोगों को इंस्पायर किया आपने। एस ब्लेज बोल रहे हैं भाई ओपी हाउ डिड यू लर्न द आर्ट साइंस ऑफ कॉमेडी। यार देखो वही है बिल्कुल क्लिशे सा आंसर, अपना स्टेज टाइम। मेरे पास अभी भी फोल्डर में 4 घंटे का कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो फोल्डर में इट इज एज गुड एज बीइंग इन डस्टबिन। वो आपको फनी लगने से कुछ नहीं होता है, वो जब तक आप स्टेज पे जाके, ऑडियंस इज द जज, वो ऑडियंस डिसाइड बोलती है ये फनी है, वो हंसते हैं, एंड क्योंकि लाफ्टर इज सच अ इंट्रिंसिक रिएक्शन, इनवॉलेंट्री ना, इनवॉलेंट्री अपने आप आता है। तो उसमें क्या ऑडियंस भी फेक नहीं कर पाती यार, अगर आपको फनी लगा है तो आप हंसते हो। तो बहुत ही ऑनेस्ट फीडबैक ऑडियंस से भी आता है। तो वही आप स्टेज पे करते करते देखो वो 3-4 वर्ड हम सीख लेते हैं, कॉल बैक, टैग, पंचलाइन, प्रेमिस, है ना। तो जैसे फोर पीस ऑफ मार्केटिंग है, वैसे 4 पीस ऑफ कॉमेडी भी सुनी, वो बनाई हुई है, प्रेमिस, पंचलाइन, पॉज एंड पीक ऑफ लाफ्टर। बहुत सारी चीजें मेरे को तो बॉम्बे आके पता चला था, ओ सो दैट वाज रूल ऑफ थ्री, मैं है वो क्या होता है, बोला व्हाट यू डिड वाज रूल ऑफ थ्री, मैं ओ। तो ये टर्म्स आप किताबों में पढ़ लो, लेकिन यार वो स्टेज पे जाके ही धीरे धीरे पता चलता है, एंड देन आपको अरे ये तो मैं खुद करता था, जिसका नाम ये है, जिसका नाम है। तो यार वो स्टेज टाइम इज द टीचर यार, और बैड शो होते हैं उस दिन, जब अच्छा शो होता है तो आप ईगो ट्रिप पे रहते हो, मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड हूं यार, कौन साइनफील्ड, कौन बिल्बर, मैं क्या किंग, मैं हूं, है ना। तब आप ईगो ट्रिप पे रहते हो, कोकेन ड्रग लेके, वो कोकेन ड्रग है स्टेज टाइम, ऑडियंस पे हंसाया मचाया निकले आ रहा है यार, मैं इंडियन कॉमेडी को फॉरवर्ड लेके जाने वाला, तुम देख तो सही। और जैसे एक बैड शो होता है, जिस दिन आप नहीं पुल कर पाए, जोक्स आपके नहीं वर्क किए कॉर्पोरेट शो में, उस दिन पहला थॉट यार ये करियर मैंने सही तो, हाँ ये कई, ये फ्लूक तो नहीं था कि 2 साल तक लोग मेरा सिर्फ दिल रखने के लिए हंस रहे थे।
अगर विपुल भाई कितना ही लोग कितने हरामी होंगे सोच रहे हो, अगर आपके 2 साल तक ऑडियंस आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के कि इसके ना 2 साल तक हंसते रहते फिर इसकी नस कटवाएंगे नहीं, और पैसे भी देंगे इसको 500-500 रुपए। मतलब हमारा इमोशनल प्लस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो पहला ही, क्योंकि यार ये इसलिए मुझे लगता है ना कि कॉमेडियंस ज्यादा ईगो में आ नहीं सकते, बिकॉज यू आर जस्ट वन बैड शो अवे यार। जैसे अभी हमारा बैड शो कम होता है क्योंकि हमारे पास कंटेंट 2 घंटे का है और हमें करना 30 मिनट ही होता है कॉर्पोरेट में, ये वो है ना। और अभी अभी पता है, हमें पता है कि कहाँ की पिच में कितना स्विंग है, कैसे होता है, हम वो भाप लेते हैं कर करके, हमें आइडिया है कि हाँ कहाँ पे बाउंसर है तो चुपचाप डक कर लो, यहाँ पे वो पुल शॉट मत मारना, तो रहना की तरह आउट हो जाओगे, यहाँ पुल शॉट नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो हमें समझ आ गई है। तो लेकिन जब बैड शो होता है कॉर्पोरेट वाला, तब उस दिन आप जाके वापस, यार इस जॉब पे लोग नहीं हंसे, मुझे और वर्क करना चाहिए, और करना चाहिए, थोड़ा सा आप सेल्फ अपने इंट्रोस्पेक्शन और होटल में ईगो जाते हो भी फील चुपचाप रूम होता में, कोई ऐसा घुमा फिरा एक्स्ट्रा व्यवहार नहीं करते ऑडियंस के साथ, अपने चुपचाप जाके होटल रूम में है। और क्लाइंट बोलता भी खाना खा लो, नहीं 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 मैं आई एम फुल, मैं रूम पे ही मैं रूम डिलीवरी कर दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने बिल पे ले लूंगा, अपने बिल पे, आप टेंशन मत लो, रूम सर्विस अपने अपने उसमें कर लूंगा। तो वो बैड शो से एक जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है वो बहुत जरूरी है, वो एक होता है। और स्टेज टाइम वही यार, वैसे ही आर्ट एंड साइंस, तो बाकी किताबें तो इतनी लिखी हुई है यार, जिन्होंने किताबें लिखी वो बड़े कॉमेडियन नहीं बन पाए यार। हाँ, ये तो मेरा ऐसा ही, ये जैसे आपने जो भी बोला उससे मैं रिलेटेड बता रहा हूँ कि जो मैंने देखा है कि जितने लोग पढ़ाते हैं कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो कभी उसमें उतना एक्सेल नहीं कर पाते। वो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ लोग अच्छे टीचर्स होते हैं और कुछ लोग हाँ अच्छे अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। हाँ हाँ जैसे जैसे अब देख, अब फॉलोअर में ही हो गया कि सचिन और कामली दोनों का सेम कोच था। हाँ एक मिनट, हाँ दे आवाज रहा आ सुनाई रही, दे आ रहा। रही, आ रही, आ रही, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है। दोनों के कोच सेम थे लेकिन फॉलोअर में वो कौन कितना लेके जाता है। हाँ और टीचर अगर सचिन ने ही आचरेकर सर से सीखा है तो आचरेकर सर कुछ इतने अच्छे बैट्समैन नहीं बन पाए। तो हाँ हाँ वही वही मेरा वही हर एक चीज मेरे को यही लगता है कि मुझे लगता है कुछ लोग अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, कुछ लोग अच्छे लीडर्स होते हैं, कुछ लोग अच्छे टीचर्स होते हैं। और वो होता है ना कि यार बेसिक्स तो सबको पता है कि कवर ड्राइव ऐसे मारते हैं, उसके बाद तो फिर उसी को परफेक्ट करना पड़ेगा जो स्टूडेंट है। खाना खाना फोर्क से ऐसे खाते हैं, अब उसके हाँ बाद में कौन लेवल ऑफ परफेक्शन अचीव कर रहा है वो फिर इंडिविजुअल पे आ जाता है। सही है। और चैट पढ़ते हैं, रॉनी बोल रहा है भाई प्लीज रिएक्ट टू वन ब्रेथ अराउंड द वर्ल्ड, रॉनी करते हैं। कुशल बोल रहे हैं विपुल भाई इतने में तो यूनिवर्सली योर्स के 2 सीजन निकल जाएंगे, जितना मटेरियल आपने बोला है, यार जितनी कहानियां स्टोरीज हैं। वैसे क्या मैं पूछने वाला था, क्या मेरा होता रहा कि मैं कई बार पूछता भी हूँ कि भाई छोटे आंसर देने हैं, ऐसे टाइप आंसर देने हैं, तो मैं ऐसे टाइप ही देता हूँ कि भाई जब बोर हो तो बीच में काट देना तो मैं समझ जाऊंगा। नहीं तो क्या क्या है इसका यूनिवर्सिटी, मैं पूछने वाला था आगे क्वेश्चन में कि यूनिवर्सिटी और इसका आगे क्या प्लान है। यार देखो प्लान तो ये है कि अभी लॉकडाउन के बाद में टीवीएफ से अप्रोच करेंगे, तो मैं तो चाहता हूँ और चाहता ही हूँ कि सीजन 3 सीजन 4, मैं तो सीजन 20 तक करने को रेडी हूँ, मेरे पास एक ही एक्टिंग जॉब है। मैं तो सीजन 20 भी कर लूंगा बूढ़ा बन के आ गया। अरे काबिया खुशी क्या करना है बताओ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास डायरेक्टर स्क्रिप्ट लेके खड़े हुए और मैं बोल रहा नहीं नहीं मैं निशांत भाई की लाइव स्ट्रीमिंग करके आ रहा हूँ अभी, रुक जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो और एक्टिंग में मेरे को मजा आता है क्योंकि मेरे को, मैंने पहले थिएटर बहुत किया ना, तो मेरे को वो तो है कि मेरे को आती है एक्टिंग, तो ऐसा कुछ नयापन नहीं लगता मुझे कि, तो मुझे लगता है एक और स्किल सेट है जो यूज हो जाए तो अच्छा ही है। और हमारा ये होता है ना कहीं पे भी देखो अगर उससे टिकट सेल्स इंप्रूव हो रही है तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं। हाँ सही है। शिवम लिख रहे हैं कंटेंट भी नाउ नहीं देना पड़ रहा है। शिवम लिख रहा है कि नाउ निशांत भाई हैव 3 YouTube अकाउंट्स, तन्मय समय हाँ क्रिकेट के स्टैंड अप से फैन है आपके, एंड विपुल तो जाकिर के टाइम से ओपी हैं। ये आपके लिए हिरेन ने लिखा है सिर्फ विपुल चीयर्स। हिरेन ने पैक बना अच्छा लिया घर पे अपने बेसिकली। ये चीयर्स जिसमें पानी है मेरे लिए। सही है। एस ब्लेज ने लिखा है हाउ डिड यू बोथ लर्न हाउ टू डू कॉमेडी, वो ऑलरेडी बता चुके हैं विपुल, साइंस ऑफ कॉमेडी हाँ फिर से। निश्चय मैं वो बताता हूँ,
एक बार आप पहले अपनी दुकान ये दुकान कर लो पूरी, फिर मैं एक हाँ इंसिडेंट एक बताता हूँ सेकंड, मैं अपना। सबको बता दूँ, लोग बुरा मान जाए इससे पहले नहीं इनके नहीं 40 और 100 रुपए वाला। नहीं ये जरूरी है, ऐसे ही तो होम लोन होगा यार धीरे धीरे। हाँ देवव्रत पूछ रहे विपुल भाई फेवरेट ब्रांड। अरे मैं विस्की पीता हूँ, स्कॉच विस्की विद आइस और पानी, आइस और तो शिवाज रिगल, और शिवाज रिगल ऑल टाइम फेवरेट है, और दूसरा वो ग्लेन पेडिज या ग्लेन लेवेट जो भी। जो भी सिंगल मॉल्ट, सही है, हाँ बहुत बड़ा खुलासा हुआ, पहली बार हमारी स्ट्रीम पे ही है। आपको ये तो पता था विपुल भाई मस्ती में आग लगे मस्ती में, विपुल भाई मस्ती में, पर किस चीज से मस्ती में, वो आज आपको सिर्फ हमारी स्ट्रीम पे एक्सक्लूसिवली सबसे पहले सबसे तेज आज तक। नहीं, मैंने शिवाज रिगल पे ही लाइक्स बटोरे थे शुरू में अच्छा इंस्टाग्राम पे। दीप शेखर पूछ रहे विपुल भाई आपको कोई डिबेट पे हराया कभी, ये मेरे ख्याल से आईआईटी की बात हो रही है, विपुल भाई ने कभी डिबेट किया है नहीं, क्या? मैं कभी डिबेट में नहीं, नहीं नहीं यार, हारेंगे कहां से? मैं डिबेट में बिठाने लायक नहीं हूँ यार, मैं कहीं पे भी कुछ भी बोल देता हूँ। अच्छा ये लाइव स्ट्रीम मैं दोस्तों के साथ करता हूँ, क्योंकि हमारे आपस में इक्वेशन है और मेरे को पता है कि मैं थोड़ा इधर उधर चले भी गया तो बुरा नहीं मानेगा, वरना मेरे को ही दिखता है, मैं टीवी न्यूज डिबेट में मैं कभी नहीं जाता, मैं मना कर देता हूँ। मैं वहां गया, मुझे बिल्कुल वो दिखता है कि मैं वो बन जाऊंगा जनरल जीडी बख्शी वाला, कि गाली भी बोल दी इसने फ्लो में और पैक भी मार दिया। क्या ही छक्का मारा था वो तो। सही तो वो ये कैरेक्टर अपने दोस्तों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक पता है कि कौन कैसे बिहेव करता है, और ठीक है सालों से वो जानते एक्सेप्ट, इन लोगों में एक्सेप्टेंस आ चुकी है मेरे को लेके कि ये यूं ही है प्रामाणिक अब, ठीक है यार। जी बोल रहे विपुल जी आई प्रे फॉर यू एवरी डे। नहीं यार मैं इतनी दारू नहीं पीता भाई। अच्छा इन जनरल ऐसे लाइफ में कि अच्छा थैंक यू सच है। थैंक यू। शिवम बोल रहे भाई ये 101 सिर्फ विपुल ओपी भाई के लंबी उम्र के लिए है। विपुल भाई वी कैन लिसन टू यू टिल लास्ट ब्रेथ। निशांत भाई डेली 30 मिनट टॉक विद विपुल कर लो। थैंक यू हाँ निशान जी, मैं तो इनू यार, मेरे को भी लाइव स्ट्रीम बड़ा मजा आ रहा है यार, मेरे को लग रहा है ये ग्रीन रूम की बातें यहाँ करने को मिल रही है। ग्रीन रूम में कोई सुपर चैट भी नहीं देता और मतलब इंसान का सबसे फेवरेट टॉपिक ये होता है कि मैं अपने बारे में बात करूं था। और अपने बारे हाँ में, और मैंने कितना स्ट्रगल किया है, हमने वहां से स्टार्ट किया था, ओपन माइक भी नहीं होते थे, सिर्फ 5,000 रुपए मिलते थे, ओ माय गॉड। तो यार ये वैसे भी आदमी दारू पी के यही बोलता है यार, लगता है बेस्ट है यार। भाई ओपन माइक नहीं होते थे, पूछ इससे बैठा यहाँ पे, होते थे भाई एक ओपन माइक, कैसा है हमको पता है। ऐसे मेरे को लगता है बिल्कुल जो जनरेशन गैप वाली बात नहीं, थी और ना, जो सामने माँ सामने बाप ने वाला सुना बोल था। दे, और वही वही, और सामने वाला बोलते नहीं होते थे, अरे दिल्ली में होते होंगे, हमारे बॉम्बे में नहीं होते थे नहीं यार, मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। फट से मैं जगह चेंज कर दूंगा। अच्छा बॉम्बे में भी होते थे, अरे यार पवई में नहीं होते थे, तुम्हारे बैंड्रा में होते थे यार, पवई में कहाँ क्राउड बिल्ड हुआ था। तो ये वही ना जो माँ बाप ने नहीं सुना है, तुम्हारे तो लाइट आती है पंखा है, हमारे तो लालटेन लेके और वो स्ट्रीट लाइट, बिल्कुल वैसा वाला ही एकदम। बिल्कुल वही। अच्छा आर्यन भाई बोल रहे हैं एक टाइम पे लगा था आवाज सुन के संजय दत्त आपके लिए। वो तो मुझे हमेशा आता है ड्रंक संजय दत्त करके, और ड्रंक लास्ट संजय दत्त, संजय दत्त के आगे भी ड्रंक संजय नॉर्मल संजय दत्त कौन सा दत्त। है? अखिल बोल रहे हैं हाय विपुल जो भाई आई जो जो जेल से लौटा था। तब वो जो जेल से लेके घर तक की जर्नी थी, तब नॉर्मल संजय दत्त। मुझे लगता है संजू बाबा ने जेल में भी दारू मंगवाई है पक्का, पुणे से लेके जब तक वो मतलब पनवेल। नहीं, वो सबको इंस्ट्रक्शन होता था कि खाना वाना ठीक है, जो वाइफ ला रही है वो ठीक है, लेकिन एक आपका थोड़ा सा बनता है ना थोड़ा सा। वो चकना, किस बात का चकना, दारू नहीं आई। संजू बाबा का जेल में भी चकना और दारू गया भाई। अखिल अखिल लिख रहे हैं हाय विपुल भाई आई डू पंच आई एम अ हगाई हगारुसली योर्स, उन्होंने ऐसे यूनिवर्सिटी वाला कि मैं पन करता हूँ। संतोष ने लिखा विपुल सर यू आर एन अमेजिंग एक्टर, अरे थैंक यू थैंक ये यू, ऐसे ही आप लिखते रहो, मुझे कहीं रोल वोल मिल जाए। पर मैं देखा विपुल भाई आगे चारों बढ़ते हुए कि आप हर एक कॉमेडियन के जो हर एक कॉमेडियन की लिस्ट होती है ना, कि जैसे पूछते हैं आपका सबसे फनी कॉमेडियन आपको कौन सा लगता है, जैसे हम सबको कॉमेडियंस को इंटरव्यू में पूछते हैं कि तुमको सबसे फनी कौन लगता है आपका फेवरेट कोई, तो सबके एक कॉमन में एक तो हो ही आप फनी वाले में। यार मुझे इसके दो रीजन लगते हैं।
एक तो ये कि यार मतलब एक तो ये कि चलो किल अपना अच्छा है, टैलेंट वाइज है, लेकिन शायद इसलिए कॉमेडियंस थोड़ा मुझे वो पसंद करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज ये सेम बंदा है, ये बनावट नहीं है, नहीं है। कि ये हाँ जेन्युइनली और ये सच बोल रहे हैं, बनावटी नहीं है। और दूसरा ये क्योंकि मैं बहुत पहले था तो मेरे पास सबके फेसबुक चैट से विपुल आई एम डूइंग कॉमेडी राइट नाउ, कैसे करना चाहिए गाइड करो, तो एक वो सबका एमएमएस बना मेरा रखा है वैसा। आपने। हाँ, वो एक जाकिर का भी है, वो भी तो शायद वो एक हायरार्की डेवलप हो जाता ना थोड़ा सा। मुझे लगता है उस हायरार्की की वजह से मैं कुछ चीजें 10 में से मैं 2 चीजें थोड़ी ज्यादा बोल देता हूँ कई बार फ्लो में ना, कि मेरे को लग रहा है परफॉर्मेंस चल रहा है, जोक्स लोग हंस रहे, तो 2 और लाइन मार दो, मार तो वो दो। 2 लाइन लोग इसलिए मुझे बख्श देते कि यार ये इविल मैलिस से नहीं बोल रहा है, और यार ये इससे इससे हमने शुरू में फंडे लिए हुए हैं, तो थोड़ा सा शायद वो शायद वही है, ऐसा कुछ भी है कि हाँ वही क्योंकि है। कोई भी तो जाकिर कॉमेडी। भी इसलिए, हाँ जाकिर मुझे बोलो। हर जगह मेरी तारीफ कर देता है पब्लिक में। मैं बोला यार तू इतनी तारीफ मत किया कर यार भाई, मैं नहीं इतना डिजर्विंग। और मैं जाकिर की बात बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि तो जाकिर की ना 2017-18 तक तो मुझे उसकी कॉमेडी समझ नहीं आई थी कि ये क्या अच्छा चल रहा है इधर, कहाँ प्रेमिस है, कहाँ पंचलाइन है, ये आके मेरे साथ ये हुआ, ये क्या कहानियां सुन रही है। तो मुझे शुरू में समझ नहीं आया था कि ये क्या इमोशनल कनेक्ट है, ये क्या है। तब तक अपना वही था कि जो सैटरडे नाइट लाइव में जो टॉक शो वाली राइटिंग करते थे हम, प्रेमिस हाँ पंच प्रेमिस पंच प्रेमिस प्रेमिस पंच, पंच कुछ प्रेमिस सोल नहीं पंच। होती थी बिट में, कोई सोल नहीं है। तो मुझे जाकिर का काफी टाइम तक समझ नहीं आ रहा था, मतलब यार ये इतना सेंसेशन क्यों हो रहा है, मतलब समझ गया। फिर मेरे को एक इंसिडेंट याद आया, मैं ये 3 साल पहले मैं मलेशिया में बैठा था कुआला लंपुर में, कॉर्पोरेट शो था और मेरी एंट्री थी शाम को 6 बजे। तो अब मैं 6 बजे रेडी होके बैठा हूँ, वहां से कॉल आया कि 1.5 घंटा लेट चल रहे हो आप, अच्छा। तो उसके बाद ही रूम पे आना, क्योंकि रूम से ही नीचे जाना था। और तब जाकिर का वो आया था स्पोकन पोएट्री रोशन अब्बास वाला इंटरव्यू, तीस हाँ मिनट हाँ का, हाँ और वो ऐसे ट्रेंडिंग में दिखा रहा था, मैं रूम पे क्या बैठ के करे है ना, तो पौन वन तो हो गया था काम, पौन वाला ठीक है। तो बोला अब क्या करे, नहा धो के बैठे हैं, अब वापस पौन में तो जा नहीं सकते, फिर नहाना पड़ेगा। तो मैंने वो क्लिक किया और वो 30 मिनट की अपना स्टोरी सुना रहा था, और मैं वैसे ही बैठा था, जैसे मैं जब कॉमेडियन का वीडियो देखता ना तो मेरा एक बैक ऑफ द माइंड एक वो जजमेंट वाला चलता ही रहता है कि इसने क्या टेक्निक यूज की, कैसे कर रहा है ना, वो मैं नहीं कर पाता, तो पता नहीं मेरा रहता ही एक्टिव। और मैं वैसे ही बैठा था कि देखे हैं भाई नया क्या है, और मैंने चालू किया, 5 मिनट हो गए, मैंने पूरा 30 मिनट में निपटाया, और मैं पूरी स्टोरी में एंग्रोस हो गया जो बता रहा स्ट्रगल, और मैंने खत्म हुई, मैं टॉयलेट में गया, मूता, वापिस आया, मैंने फिर से देखा पूरा 2 बार। मैं बोला यार ये क्या था, ये मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया इतना इमोशनल, कि उसके ये ऑब्जर्वेशन के मैं ट्रेन में आया था और एक अखबार में गर्मी होती है जब आप वो करते हो, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ फक ये लोगों के उस लेवल पे टच कर रहा है, ये दिस इज मोर देन कॉमेडी, दिस इज कॉमेडी प्लस थेरेपी प्लस पता नहीं क्या कनेक्शन है ये। कनेक्शन क्योंकि चाहिए मुझे जिससे तब ऐसे मैंने कनेक्ट। कनेक्ट मैंने ऐसे कनेक्ट किया कि यार मैं तो, हम लोग क्या करते थे कॉलेज में ना, जब हम कभी दारू पीते थे तो हमारा होता था दारू पी के हाई हो गए रात के 1 बजे, फिर हम शाहरुख खान के सारे गाने देखते थे, बस गाने, वीडियो सॉन्ग्स है ना, फिर भी दिले हिंदुस्तानी में नाच रहा है, दिल से वाला, और ऐसे वीडियो सॉन्ग्स 4 महीने 4 घंटे हम देख रहे हैं बस शाहरुख के गाने, नाचते हुए शाहरुख को। तो मुझे लगा यार जाकिर लोगों के लिए वो है, वो कॉलेज का पार्ट है कि हम 5 दोस्त हैं, हम बैठ के जाकिर के वीडियोस देखते हैं रात भर, तो हाँ वो उनके फ्रेंड सर्कल का एक दोस्त बन चुका है। जब वो हाँ ब्रेकअप की बात करता है, और इंडिया में 99% लोग सिंगल ही रहते हैं, लड़कों में हमें पता ही नहीं फीमेल इंटरेक्शन कैसे करते हैं, और तो वो उस लेवल पे अपील कर रहा है कि वो उनके फ्रेंड सर्कल का पार्ट है, हाँ उसमें तू क्या प्रेमिस और पंचलाइन ढूंढ रहा है, मतलब मेरे लिए शाहरुख भगवान है यार कॉलेज में। अब शाहरुख 10 फ्लॉप फिल्में कर दे, मैं हर बार फिल्म देखने जाता हूँ और गाली भी देता हूँ, क्या यार शाहरुख यार वो मजा नहीं दे रहा पहले वाला, लेकिन अगली हर फिल्म में मैं जाता हूँ वापिस है ना। तो मैं बोल रहा हूँ ये बंदा उनके उस लेवल पे अटैच हो चुका है, वो मुझे उस दिन समझ आई, क्योंकि जब मैंने ऐसा फील किया जब मैं बैठा था जज करने हाँ तो जाके और मैं बिल्कुल बह गया कि यार ये क्या बात हो रही थी, मेरे को अपील किया क्योंकि मैं अपने स्ट्रगल में चले गया है ना, कि यार मेरे को भी ऑन प्लेटर तो नहीं मिला है, मैं भी छोटे शहर से ही हूँ, मैं भी गांव से आया हुआ हूँ बॉम्बे में, हम लोग सब बॉम्बे में इमिग्रेंट्स ही है, लेकिन बस मेरे साथ ये था कि मैं टॉपर था, मैं हाँ बहुत वेल टू डू बिजनेस फैमिली से था, तो मेरे वो स्ट्रगल्स नहीं थे कि
बैक बेंचर वाला स्ट्रगल नहीं था, नौकरी वाला स्ट्रगल नहीं था और पैसों वाला स्ट्रगल नहीं था, लेकिन ये स्ट्रगल तो था ही कि यार दूसरी फील्ड में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ना इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ ना बाप के बिजनेस में कर रहा हूँ, मैं कॉमेडी में स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो वहां तो खुद से करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं फोन नहीं कर सकता कि पापा पैसे भेजो, वरना पापा बोलेंगे देखा हमने तो कहा ही था कॉमेडी में कुछ नहीं हो पाएगा, आजा, तो उनका पॉइंट प्रूव हो जाएगा। गल्ले पे बैठा जा। तो इवन तो घर में पैसे है लेकिन मैं मांग नहीं सकता क्योंकि उनका पॉइंट प्रूव हो जाएगा। तो फिर मैंने उस लेवल पे कनेक्ट किया, तो मुझे लगा ओ फक, मैं इसको स्टैंड अप पैरामीटर्स में क्या जज कर रहा हूँ, ये दिस इज मोर देन कॉमेडी यार, ये कॉमेडी प्लस थेरेपी और एक स्टोरी टेलिंग नया आर्ट फॉर्म है। तब तक सब बी फॉर्मेट में बात करते, पहला बंदा था जो आई फॉर्मेट में बात कर रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरी ये कहानी है और कितने लोग अब मेरे साथ झूठ रहे, और आप देख लो जो लोग के साथ झूठ रहे वो इतना मैसिव नंबर है। तब लगा वो फक ये अलग चीज है, तब मुझे उसकी कॉमेडी समझ में आई कि ये इस डेप्थ पे चल रहा है, ये अलग गेम है भाई, इसमें तुम चार चुटकुले लिख के आए रूल ऑफ थ्री और ये सब नहीं चलेंगे, सीन ही अलग है वो। पर मेरे देखा आपका भी कुछ वैसे है, कुछ आपका भी गेम अलग ही है, जैसे एक गेम है अपना रंजीत वालिया वाला गेम जो वो तो यार हम सबने प्ले किया है मैनेजर, मेरे हाँ ख्याल से पर हम सबने ही। तो इस लेवल पे किसी ने नहीं किया। हमने शुरू शुरू में एक अलग ईमेल आईडी बना ली थी कि सामने वाले को ऐसा लगे कि हम ऐसे 10-12 हज़ार रुपए मांग रहे किसी से, तो उनका ये 12 हज़ार रुपए क्यों मांग रहा है ये। एक ईमेल आईडी बना ली यार थी। वो ऐसी था कि रिवाल्डो करते थे, फिर मेरा और रिवाल्डो का ब्रेकअप हुआ तो फिर मैंने भी चालू किया, और तब लोगों को ये लगता था ना कि बेसिकली क्या होता था, तब एक क्वेरी होती थी और हम 7-8 कॉमिक्स थे, तो जब बाकी के 7 कॉमिक्स का मैनेजर फोन उठा रहा है तो 8वें में जब आप खुद अपना उठाते तो ये लगता ना ये तो खाली बैठा, इसका काम ही नहीं होगा, वही वही रेट वही गिर गया आपका। रेट गिर गया और इंपॉर्टेंस भी गिर गया कि ये चूतिया होगा यार, ये हाँ इसको क्या मैनेजर भी नहीं है। हाँ बोलो तो वो करने के लिए और अभी मार्केटिंग। खुद ही बन के उठाता हूँ, अभी खुद ही बन के उठाता हूँ, तो वो सर आप कितने हम्बल, यू आर सो अप्रोचेबल, डाउन टू अर्थ, स्टिल कनेक्टेड टू योर रूट्स। सर बाकी आर्टिस्ट के तो मैनेजर ही 2 दिन तक कॉल नहीं उठाते हैं। और हमारे में ये होता है ना, जैसे लोग अननोन नंबर उठाते नहीं कि स्पैम होगा, हमें अननोन नंबर देखते ही पहले उठाते हैं कि कॉर्पोरेट शो होगा। कॉर्पोरेट शो हमारा उल्टा है, सेव्ड नंबर शायद ना उठाए। सेव डाल, अभी यार ये फेवर मांगे, विपुल भाई एक फेवर कर सकते हो क्या मेरे पे। कुछ लोग बोलते हैं कि यार विपुल भाई मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, मैंने जाके उसका मैसेज देखा, उसका लाइन आती है विपुल भाई नीड सम हेल्प, अब क्यों करेगा कोई रिप्लाई। मतलब तुम्हारा ओपनिंग सेंटेंस ये नीड सम हेल्प, आने क्यों रिप्लाई करे यार, ये छोड़ो यार। पर स्टैंड अप को छोड़ के और क्या पसंद है अपने को, क्या शौक है स्टैंड अप को छोड़ के दूसरे उसमें? यार मैं मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बहुत मजा आता है यार, ओ क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज में ये लगता है कि यार ये रियल है, ये हुआ है, ये किसी राइटर ने गांजा फूक में अपनी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन मुझे नहीं दिखा रहा है। है ना, और क्योंकि मैं काफी राइटर के साथ हैंग आउट करता हूँ टीवी, अब लोग फालतू में मीनिंग ढूंढते हैं ना कि ये राइटर ने ऐसे क्यों किया एंड में, मतलब कुछ नहीं, वो गांजा फूक के उसका फाइनल ड्राफ्ट था, उसको लगा कि ऑडियंस को ये एंडिंग अपील करेगी, उसने इसने वो रखी है। That is totally manipulation of your emotions, which we know how you will feel. और documentary मुझे लगता है कि यार documentary में थोड़ा बहुत manipulate किया भी होगा तो भी 60% तो सच है ही है। Honesty तो होगी, हाँ। तो हिटलर वाली documentaries और ये यूनिवर्स वाली documentaries, वाइल्ड लाइफ वाली documentaries, अभी मैं ये कनेक्टेड वाली देख रहा हूँ क्योंकि मुझे documentary से बड़ा मजा आता है कि ये हुआ है और कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी हाँ। क्योंकि आप खुद राइटर हो तो आपको लगता है सब मैनिपुलेटेड है यार, सब मैनिपुलेटेड है, हाँ, कुछ भी सच नहीं है। मतलब ऐसा ही झूठ तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ हम लिखते ही ऐसे ना कि ऑडियंस को ये पसंद आएगा। हाँ, 90% ऑफ द राइटिंग ही है कि ऑडियंस को ये पसंद आएगा। आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं लिख ही ऐसे रहा हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा, तो फिर मैं क्या इसमें नई बात बोलूंगा। सही है। स्पेशल का कुछ प्लान है अभी? स्पेशल में अगर 1 घंटे का अपना कुछ सोच रहा है? नहीं, अभी मेरा कुछ नहीं है, अभी मेरे पास 80 मिनट है जो मैं करता रहता हूँ और फिर 5 मिनट डालता हूँ यूट्यूब पे, नया 5 मिनट बनाता हूँ, क्योंकि यार मेरे को यार मैं बड़ा वैसा राइटर हूँ, बहुत एक एक जोड़ 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 के मेरा बनता है, मैं ऐसे नहीं लिख पाता कि क्लीन स्लेट और 1 घंटे, और मुझे डर भी लगता है कि अभी मेरे को वो नहीं चाहिए कि मैंने 1 घंटा डाल दिया और मैं फिर स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में जा चुका और मेरा होम लोन है यार, मैं अब रिस्क नहीं ले सकता, ओपन माइक करने जाऊँ बॉम्ब हो रहा हूँ। अभी मैं वो फेस नहीं करना चाहता कि तो मेरा ऐसे ही अभी फॉर्मेट 2 साल तक यही रखूंगा, ओपन माइक थोड़ी पांच छह करते हो आप, मिनट तो डाला। पूरा 1 घंटा ही ओपन माइक करते हो ना, नया पूरा ऐसे ही? नहीं,
नहीं, वो रिवाल्डो करते हैं, मैं तो बहुत 5-5 मिनट करता हूँ, और अगर 5 मिनट बॉम्ब होता है तो मैं 6 मिनट में जाता भी नहीं हूँ वापिस। अच्छा, तो मैं वैसा करता था कि मैं अपना जो अपन स्पेशल शो करते हैं 1 घंटे का, तो शो के बाद ही ऑडियंस को बोलता हूँ कि भाई अब मैं एक ओपन माइक टेस्ट करूंगा 5-6 मिनट, आपको रुकना है क्या? और ऑडियंस भी रुकती है कि भाई फ्री का कर रहा है, तो मैं वहीं पे टेस्ट वैसे कर करके बना देता हूँ। ओह अच्छा, ये तो मैंने वरना देखा ओपन हुआ माइक है। में ये भी तो डर है ना यार कि मैं ड्राइव करके पहुंचू वहां पे ऑडियंस ही 5 है, तो कितना बुरा कट जाएगा, पूरी इवनिंग गई। ये और हाँ शादीशुदा आदमी को आपको आपको इवनिंग्स की वाइफ से परमिशन लेनी पड़ती है यार, एक इवनिंग की वैल्यू है। हाँ ये इवनिंग मैंने परमिशन ली है शेड्यूल में से कि मैं जाऊंगा, है ना, हमारे आवर टाइम में से निकाल के, तो यार हाँ बेटर भी वर्थ इट यार। उसके बाद बिना चले साले लोग ही नहीं आए तो क्या कर, पूरा इवनिंग ही गया। वो क्रेडिट्स होते हैं जो खर्च होते हैं, कि आपने वो शाम का हाँ क्रेडिट आपने खर्च कर दिया है, अब आपके वहां ऑडियंस आई तो नहीं आई ये वो आपकी किस्मत है, आपने तो क्रेडिट यूज कर लिया है, वो हो गया है। पर 2009 से लेके अब तक ओपन माइक की, जैसे कॉमेडी सीन कितना इवॉल्व हो गया, हमारी लाइफ इतनी बदल गई है, पर ओपन माइक मोर और लेस वहीं पे अभी भी, समझ रहे हो, वहां पे 2009-10-11 में भी 5 लोग आते थे ओपन माइक में, अभी भी कुछ खास, ये इसका क्या वो है, मतलब क्यों ओपन यार माइक क्यों नहीं आगे अभी बढ़ रहे? यार ओपन माइक इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि यार कोई भी बड़ा कॉमेडियन अभी क्या काफी स्टार सिस्टम हो गया है हाँ कि भाई मुझे जाकिर का शो देखना है, मुझे कैनी का देखना है, तो एज एन ऑडियंस मेरा टाइम भी तो इम्पोर्टेंट है यार। कि यार मैं भी एक पूरी इवनिंग इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं भी तो अपने घर से निकलूंगा, एक शो देखूंगा, फिर आऊंगा। तो मैं जब मैं पैसे भी दे रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ, तो मैं एक उसी बंदे का शो देख लूँ जिसको मैं यूट्यूब पे पसंद करता हूँ, देखना चाहता हूँ। हाँ है ना, तो मैं उसी का देख लूँ ना। मैं ओपन माइक जाऊंगा, 5 मिनट रॉ देखूँ, ऐसे मैं 1 घंटा पूरा पॉलिश शो देखूँ। और तो अगर ओपन माइक में फिर टिकट इसलिए कम बिकते हैं क्योंकि कोई भी बड़ा कॉमेडियन, मैं अपना या तू या जाकिर अपना, हम लोग वो चेहरा नहीं देना चाहेंगे ना 5 मिनट के लिए। उस दिन मुझे कॉर्पोरेट शो मिल गया तो हाँ मुझे और कुछ काम आ गया, तो मैं फिर फाइनली फिर जिस लोगों ने मेरे नाम पे टिकट लिया है वो तो फिर बोलेंगे ना यार कि हमने आपके लिए ये आया ही नहीं साला ओपन माइक में। तो अभी काफी जो एस्टेब्लिश कॉमिक्स तो अपना सोलो शो ही करते हैं वैसे, कि मैं ट्रायल शो करके, हाँ वही कर दिया। उनके उनके टाइम की भी वैल्यू आ गई यार। मैं 5 मिनट के लिए क्यों जाऊं यार, मैं भी जब आ रहा हूं तो पूरा 1 घंटा ही कर पाऊं ना टेस्ट, तो एक वो घंटा ट्रायल शो कर पे रहे हैं। ट्रेवल करके 5 मिनट के स्पॉट के लिए, हाँ तो तो मेरे ख्याल से दोनों वेज, ऑडियंस को भी स्टार का शो देखना है और स्टार को भी ये लगता है ना कि मैं अगर अपना शो अपना टाइम दे रहा हूं तो यार मैं पूरा शो कर पाऊं, या मैं पोस्टर पे अपना चेहरा नहीं चाहता कि मुझे उस दिन कुछ बड़ा काम आ गया, इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो आई शुड हैव दैट लेवरेज। वरना अगर जाकिर ने अपना डाल दिया कि ओपन माइक में रहेगा 5 मिनट, वो टिकट्स निकल गए साले ओपन माइक के, 200-300 निकल गए, फिर अगर उसको कुछ उसमें अपनी शूटिंग आ गई या कुछ काम कंप्लीट करना आ गया, तो ही कांट बैक आउट ना, तो तो अभी ही यहाँ विल हमारे यहाँ आर्ट इट्स फॉर्म बेटर। के फॉलोवर नहीं बने, कॉमेडी का जो आर्ट फॉर्म है उसके इतने फैन नहीं है, कॉमेडियंस के या आर्टिस्ट के फैन है, वो वाला सीन। कॉमेडियंस के ज्यादा है, लेकिन एक वो तो रहता ही है कि भाई एक 5 से 10% ऑडियंस बनती है जो फिर रोटेट होती है। आज 100 लोग सोच मेरे फैन है, मेरे शो में आए, 100 में से 10 को स्टैंड अप भी तो अच्छा लगा, तो वो 10 सोचेंगे हम और भी कॉमेडियंस देखते ना। देखते हाँ तो एक जो 10% जो ऑडियंस ऐसे डेवलप होती है वो भी काफी बड़ा नंबर है। हाँ अगर सबका दस और दस फिर परसेंट एवरेज भी ले हाँ ले। फिर उनको लगा नहीं यार कॉमेडियंस भी बहुत अच्छे अच्छे घूम रहे हैं, तो यार ये तो सही है, देखना चाहिए, फिर वो अपने 4 दोस्त को लेके जाएंगे किसी और के शो में। तो इसी तरह वो जो एक 5-10% का फिगर ऐसे घूमता है, रोटेट होता है, उसके थ्रू ऑडियंस बिल्ड होती है, जो कि बहुत सही है। सही है। अब हमारा एक लास्ट हम राउंड करते हैं, जो मैंने ऐसे ही रखा है अपने, ताकि इसमें लगे कि कुछ ऐसे इंटरव्यू, तो रैपिड फायर होता है, पर रैपिड फायर नहीं है, रैपिड फायर अलग होता है, उसे कुछ अलग रखने के लिए हमारा जो होता है उसका नाम है तेज आग। तेज आग, पर तेज आग सही से है। पहले दो सुपर चैट पढ़ लेता हूँ। यश बोल रहे, विपुल भाई आपका न्यू सेट कब आ रहा है, मैंने लास्ट ईयर में आपका शो देखा हुआ है, सो आपका न्यू सेट कब आ रहा है? यार नया शो तो अभी देखो लॉकडाउन, मेरे ख्याल से मार्च तक तो जूम शो ही चलेंगे हाँ मेरी जो रीडिंग है, तो उसके बाद जब लाइव आएंगे तब देखते हैं कितना नया बना होगा। अभी तो मैं जो भी नया बना रहा हूँ सब रेंट में डाल देता हूँ, तो यार पुराना स्टैंड अप तो वही है, क्योंकि अभी जूम पे तो आपको लगता है ना कि साला टेस्टेड में भी कुछ कुछ चलते हैं, आप वही रखते हो जूम पे क्योंकि जूम फॉर्मेट अलग है थोड़ा। पर अभी जो आप जूम पे कर रहे हो, क्या ये लास्ट ईयर वाला है या ये लास्ट ईयर से थोड़ा नया होगा? हाँ नहीं, अभी तो वही शो है, अगर उसने देखा है तो मत आना भाई, स्ट्रिक्टली नो है। अच्छा हाँ, यश फिर मत आना, अगर लास्ट ईयर देखा हाँ था तो वही चल रहा है। पर जिन्होंने नहीं देखा, जूम पे विपुल हर वीकेंड सैटरडे संडे शो करते हैं, वहां जाना, और वहां तो अलग ही हाँ लेवल मिलता है, मतलब
और रमेश बोल रहे हैं, विपुल भाई व्हाट वाज योर मोस्ट गिल्टी मोमेंट ऑफ लाइफ? ये क्या होता है, ये क्या गिल्टी मोमेंट ऑफ लाइफ? गिल्टी गिल्टी तो वैसे कुछ होगा यार, कुछ वाइफ को झूठ बोला होगा या पापा को झूठ बोला होगा या दोस्तों को झूठ बोला होगा या खत्री को या अतुल खत्री को बोला होगा, नहीं ये मैं शो एक्स में ही कर रहा हूँ और फिर एक्स बाय टू में कर लिया। तो हम कर रहे हैं अब राउंड स्टार्ट तेज आग, इसमें आपको ऐसे खट 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 जवाब देने हैं, ठीक है? वन कॉमेडियन यूड वांट टू यू लाइक टू वॉच लाइव, एक कॉमेडियन जिसको आप लाइव देखना पसंद करते हो कि हाँ यार इसको तो लाइव देखने जाना है। मतलब इंडिया में तो जाकिर वाला है यार, क्योंकि वो एक अलग ही, मेरे लिए अलग ही दुनिया है वो, स्टोरी वो टेलिंग और हाँ वो मेरे लिए, सब। मेरे ख्याल से वो लाइव वाला तो सबका बहुत कॉमन है जाकिर, वो ऑपरेट, और प्लस वो फैंडम देखना कि इतना हाँ हाई नंबर्स में कैसे ऑपरेट करना, वो फिनोमिना देखना, और हमें तो साइड से देखने को फैन मिलता फेस्ट, एक यूट्यूब का फैन फेस्ट है, एक जाकिर का फैन फेस्ट है, कि वो देखना जो है कि भाई ये किस लेवल पे चल रहा है गेम। ये इन लेवल ऑफ वो, ये जैसे आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कॉर्पोरेट शो, कॉलेज शो, पब्लिक शो? यार सबसे ज्यादा मजा तो पब्लिक शो में आता है, बिकॉज वहां पे मेरे रूल्स हैं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, माय तो लाइफ मजा तो माय सबसे ज्यादा वहीं रूल्स, आता है। हाँ सबसे ज्यादा मजा तो पब्लिक शो में आता है, लेकिन पैसे वाइज कॉर्पोरेट शो का है। कॉर्पोरेट शो। मुझे लगता है कि इन पैसे दोनों का वाइज, बहुत ही वो, कॉलेज ना एकदम मीठा मीठा बीच में है, पैसे और मजे का हाँ ना बहुत ही सही वो। हाँ और कॉलेज शो के बाद में बच्चे लोग गांजा भी पिलाते हैं, हर कॉलेज को ही दिखाना होता है, सर आपने गांजा तो पिया ही नहीं है, असली तो ये है। ये और वो हरामी लोग क्या करते हैं, टोबैको भी मिक्स नहीं करते, फिर पूरा स्ट्रॉन्ग मार देते हैं, और फिर आपको लगता है क्या है। मैंने और वो आप फिर वो स्टूडेंट्स के साथ आप बोला ऐसे यार एक 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 कॉलेज का यूएसपी होना चाहिए सर, यहाँ पे हमारे बेस्ट प्लेसमेंट होते हैं, इनके यूएसपी सर यहाँ पे बेस्ट गांजा पीते हैं। बोला यार गांजा मिलता है। सबसे मेमोरेबल फैन मोमेंट? मेमोरेबल, यार मैं वो ऑकवर्ड वाला बता सकता हूँ, मेमोरेबल तो नहीं प्यारा ऐसे सा, जब अच्छे ही होते हैं ऐसा, नॉर्मली, हाँ तो उसमें से सबसे कोई एक अलग ही कि हाँ यार। एक अलग वैसे था कि एक लड़की आई थी शो में, पिछले शो में मुझे पता नहीं था, वो अगले शो में फिर से आई, फिर शो के बाद मिली और उसने बोला कि ये मेरे दादाजी और दादी जी हैं, इन्होंने आपका शो बहुत एंजॉय किया, मैं पिछली बार देख के गई थी और मैं इनको लेके आया, दे ऑल्सो एट ए ग्रेट टाइम। तो फिर वो ऐसे लगता ना कि अरे मतलब 65+ ऑडियंस को भी कंटेंट अपील कर रहा है, तीन तो वो जनरेशन थोड़ा सा सिंगर, वैसा आता है कि अरे हाँ कि यार ये अच्छी बात है। वैसे बाकी यार नॉर्मली इंडियन ऑडियंस स्वीट ही रहती है यार, मैंने देख ऐसे कुछ वैसा नहीं है अच्छे लोग ही होते कौन? हैं यार, उनको सेल्फी चाहिए होती है और आपकी तारीफ ही करते हैं आगे, वो किसको नहीं चाहिए यार, मेरा ईगो बूस्ट भी कर रहे हो और सेल्फी भी ले रहे हो, यार चलने दो, पैसे बढ़िया है देने के बाद, और वो भी पैसे दे पैसे के देने के बाद यार। और शो के बाद में कोई फोटो खींच रहा है, मतलब शो तो अच्छा हुआ ही है, हुआ ये। वो एक और वैलिडेशन होता है। द फर्स्ट थिंग यू बॉट व्हेन यू स्टार्टेड मेकिंग मनी, क्या खरीदा था जब ऐसे कॉमेडी वाले सही पैसे आने लगे थे? यार मैं बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ यार, हाँ फिर भी मेरे को कुछ ना तो एक मोबाइल से फर्क ही पड़ता है ना, दारू ही खरीदी होगी यार, बियर वियर पीने दोस्त लोग गए होंगे। वैसा कोई आंसर नहीं है कि पापा के लिए शर्ट और मम्मी के लिए साड़ी, नहीं वो नहीं सब नहीं नहीं है। किसी के वैसे नहीं, कोई ऐसा नहीं, मत बता ना कि एक गाड़ी खरीदी मैंने अपने लिए, ये कुछ ऐसा खरीदने का मन था अपने पैसों से जो आपने, वो वैसा वैसे वाला। यार उस समय 30-40 हज़ार रुपए मिलते थे, उसमें कौन सी गाड़ी आएगी यार, टॉय कार ही आ सकती है उसमें तो। एनी वन वही था थिंग, पहले। हाँ बताओ बताओ क्या था क्या था। हाँ वही था वही था, दोस्तों के साथ ही दारू पी होगी कहीं जाके, कि आज मैं बिल दूंगा, हाँ वो आज भी एक बड़ी बिल भाई बात होती कि भरेगा। आज भाई भर हाँ जाएगा। एनी वन थिंग क्योंकि यू तब तक कुड, मेरे, हाँ बोलो बोलो, क्योंकि एक साल तक मेरे दोस्त, अरे सॉरी रैपिड फायर हो ही नहीं रहा ऐसे टाइप जा रहा है, तो चल चल चल, नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो, जब तक आपके दोस्त भी, क्योंकि एक साल जब थिएटर के बाद जब एक साल कॉमेडी में स्ट्रगल चल रहा था, तब मेरे दोस्त लोग ही मेरा खर्चा चलाते थे, तो ओ तो पहली ये बार जब कॉर्पोरेट शोस आया तो वो मोमेंट आया ना कि यार ये तो एक साल का बैकलॉग, वो बैकलॉग चुकाया, जो दोस्तों बोलते जरूरत नहीं वाला, नहीं नहीं यार बैकलॉग है यार, अभी तो है ना पैसे क्यों, और ये दारू आज मेरी तरफ से, तो वो वैसा मोमेंट होता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है। सही। एनी वन थिंग इन योर लाइफ यू कुड कंट्रोल जी, कि ऐसा जिंदगी में एक चीज है जो मैं अंडू कर सकता हूँ, ये अगर मैं अंडू कर पाता। यार मैं बिल्कुल भी रिग्रेट्स वाला बंदा ही नहीं हूँ, मेरे को तो जो भी लगता है मुझे लगता है ये होना ही था, जीरो एक्सेप्ट जीरो। करो। मैंने क्योंकि मैंने मेडिटेशन कोर्स किया था, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता हूँ चीजें। अच्छा मेडिटेशन का रखा है कोर्स?
हाँ मेरे को लगता है हर आर्टिस्ट को मेडिटेशन कंपलसरी होना चाहिए यार। कौन सा असली असली वाला, ऐसे ऐसे जो हाथ आगे रख के ऐसे असली वाला, या ऐसे आप बंद करके यार, और मैंने मेडिटेशन भी डिस्कवर किया साइनफील्ड के थ्रू। तो क्या बात कर रहे हो? मैं यूट्यूब पे साइनफील्ड के वीडियोस देख रहा था, एक आया साइनफील्ड ऑन टीएम, मैं हाँ बोला ये कौन सा बीट है, फिर मैंने खोला तो टीएम पता चला ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है। ओ भाई और वो बता साहब, रहा था कि मेडिटेशन के कितने बेनिफिट्स होते हैं, आपकी एनर्जी रिलैक्स हो जाती है, ये हो जाती है। और उसने बोला कि और साइनफील्ड मेरा भगवान। हाँ तो मैंने बोला भाई साइनफील्ड ने बोला है मेडिटेशन करना है, तो वही तो टीएम का कोर्स जहाँ बॉम्बे में विले पार्ले में होता है एयरपोर्ट के सामने ही एक जगह है। वहां तो से मैंने किया जाके 5 दिन का कोर्स किया और फिर मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया। मैंने रियलाइज किया यार कि इट बहुत एनर्जी हेल्प्स। मेरी थी, पहले बहुत एंग्जाइटी एनर्जी रहती थी, अभी मेरी एंग्जाइटी है थोड़ी सेटल्ड एनर्जी है, ओ एंग्जाइटी वाली नहीं है। सही। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है अपना, जहां मजा आता चिल करने, छुट्टी मनाने? अरे यार मैं वाइफ के साथ में हम लोग 2 बार गए हैं एम्स्टरडेम यूरोप। ओहो, एम्स्टरडेम तो काफी एम्स्टरडेम अलग ही। यार, ओहो बस वहां क्या पे बस एक फूक लो और वॉक करते रहो और खाते रहो, और मैं क्या आपने वेदर है। मतलब ब्राउनी खाई वहां पे? जो यूरोप के वेदर का बेस्ट पॉइंट ये है आप, हाँ यूरोप का बेस्ट पॉइंट ये है वेदर में कि आप 10 किलोमीटर चलते हो और पसीना नहीं आता यार, हाँ, और बोर भी नहीं होते तो लगता एम्स्टरडेम है में तो। चलते हो। हाँ, एम्स्टरडेम में तो सब कुछ ही चलता रहता है। वन पर्सन यूड लाइक टू वर्क अरे विद, जिसका अभी तक आपने काम नहीं किया है, एक्टर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, कॉमिक, पॉलिटिशियन, कोई भी, जिसकी एक इंसान जो आपके दिमाग में क्या, इसके साथ काम करना है? सच मतलब यार जो भी रोल दे दे यार, बिल्कुल भी बिल्कुल भी वो चॉइस वाला अपना है ही नहीं यार, जो मुझे चूज कर ले, जो मेरे साथ वही काम करना चाहे, वही सही है। जो मेरे साथ काम करना चाहे, अभी तो वही है। आपके फोन में लास्ट डायल नंबर क्या है? ये वाइफ का था, वाइफ का लॉकडाउन हॉटस्पॉट से करता हूँ मैं कॉमेडी जोक सिंह लास्ट डायल निशान हुई है 8:55 को, भाई आज क्या बोलना है, क्या क्वेश्चन होंगे बता देना कॉमेडी करियर का सबसे मेमोरेबल दिन, सबसे यादगार, कोई शो, कोई रिलीज, कोई की वो बहुत। ह्यूमरसली योर सीजन 1 रिलीज के बाद जो हार्ड रॉक कैफे के टूर में जो मैंने फर्स्ट टाइम पब्लिक शो में जो स्टारडम देखा, कि भाई मंडे को हम शो कर रहे थे हार्ड रॉक कैफे पुणे में, 700 लोग और 1,000 रुपए की टिकट, भाई साहब जिसमें वाह। 500 कवर था, 500 कवर था दारू का उनका। लेकिन उसके पहले मेरे पब्लिक शो में मेरा नहीं था, मेरा कॉर्पोरेट शो और कॉलेज में चलता था लेकिन पब्लिक शो में नहीं था। लेकिन ह्यूमरसली योर्स के बाद मैंने फर्स्ट टाइम मैंने वो देखा, ओ फक कि यार ये मंडे वीकडे इतना बड़ा मार्केट है। 700 1,000 रुपए की टिकट तो बहुत ही अलग ही लेवल का वो। हाँ उसमें तो वो फर्स्ट टाइम जब मैंने वो लोगों का 1-on-1 कनेक्शन देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ उस दिन भी कि यार स्टैंड अप में कितना इमोशन कर दोगे, लेकिन वेब सीरीज में वो पूरा आपको उनको ये बंदा पसंद आया कि हाँ इसका वाइफ के साथ ये ऐसा है वो है, तो पीपल विल ऑलवेज कनेक्ट मोर विथ फीलिंग्स देन जोक्स। जोक्स या ह्यूमरसली ऑर्स वो उस बंदे से, मैं अभी भी शो में पूछता हूँ 50% लोग ह्यूमरसली ऑर्स के थ्रू आए हुए होते हैं क्योंकि ओ उनको वो कैरेक्टर बहुत पसंद है, वो बंदा पसंद है। पसंद यूनिवर्सली और की। जो मेरा मेरे को सबसे जो मेमोरी याद है और सबसे सही, कि प्रीमियर हुआ था पीवीआर जुहू में, जो हम देखने गए थे, तो मतलब वो था ना, वो वाली फील आ रही थी कि तुम बॉम्बे में हो और तुम्हारा जान पहचान का दोस्त है तुम्हारा, जिसने तुम्हें प्रीमियर पे, जिसका प्रीमियर जुहू में, प्रीवियर जुहू में हो रहा है, जहां पे समझ रहे सारे मूवीज के प्रीमियर, हम ऐसे घूम रहे कि हाँ हमें भी प्रीमियर पे, हम भी आए भैया, प्रीमियर हो रहा है। तो वो हाँ फील यार वो तो बहुत ही बड़ा मूवमेंट था यार, वो तो काफी। टीवीएफ के थ्रू था लेकिन। हाँ कोई कोई एक ऐसा शो, शो तो मेरे ख्याल से बहुत सारे होंगे, पर कोई ऐसा है शो जो कभी भूल ही नहीं सकते कि यार वो तो क्या शो हुआ था लाइव? मतलब ऐसे तो मेरे ख्याल से गंदे वाले शो ही याद रहते हैं गंदे वो कॉर्पोरेट शो ही होगा, क्योंकि बोररलेस। अच्छा शो तो होता है ना, ये तो मैं रोज ही करता हूँ, यही तो रिस्पांस आता है। हाँ यही तो है, हाँ यही तो विपुल गोल एक्सपीरियंस है, तब तो ये चलता है, वो तो ग्रांटेड ही लेते हैं। लेकिन बैड शो जो हुआ था वो रियल लाइफ में हुआ था, जो ह्यूमरसली और सीजन 1 में हमने दिखाया मेरा पति वाला जो एपिसोड है, हाँ वाइफ के सामने बॉम्ब हुआ था कॉर्पोरेट शो में, बस वो गोवा में नहीं एमबी वैली में हुआ था, अच्छा वो एकदम सच बस बिल्कुल सच है, यू का यू, है। नए नए बहुत ही कमेडियंस रिलेटिंग के था।
नई कॉमेडियंस के लिए कोई एक टिप? यार टिप यही है कि यार किसी डोंट लुक फॉर वैलिडेशन फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड कॉमिक्स, क्योंकि हर एस्टेब्लिश्ड कॉमिक की अपनी अपनी ऑडियंस है। फाइंड योर ओन वॉइस, ज्यादा उनसे आप बाउंस करो लेकिन उनके वर्ड को ये मत मानो कि लकीर है। इसका सिंपल रूल ये है कि सबकी अपनी अपनी ऑडियंस होती है। मुझे कुछ बड़े कॉमिक्स का मुझे कंटेंट शायद पसंद नहीं है लेकिन उनकी टिकट सेल्स मेरे से 3 टाइम्स है, तो मेरा जजमेंट तो उधर ही गलत हो गया कि व्हाट इज फनी एंड व्हाट इज नॉट फनी। तो फाइंड योर, आप खुद करो, आप ऐसे एडवाइस ले लो लेकिन उनके एडवाइस को पत्थर की लकीर कभी मत मानना। वी आर ऑल्सो लर्निंग, हम भी कुछ फिगर आउट कर रहे हैं। कुछ चीज जो है, जो जोक होगा, एक ही जोक मैं पुल नहीं कर पाऊं लेकिन कोई और पुल कर पाएगा क्योंकि सब स्टाइल भी अलग है। तो सबके स्टाइल के थ्रू भी कंटेंट बनता है, ये मैं बाद में रियलाइज होता है। अ सेम जोक डिफरेंट कॉमिक, आप एक ये एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है, एक 10 जोक की स्क्रिप्ट दो सबको और सबको सेम जोक परफॉर्म करने अलग अलग ऑडियंस में अलग अलग दिन, आपको रिएक्शन ही अलग दिखेगा ऑडियंस का सेम जोक्स पे, सेम रिटन जोक्स पे। आपकी फेवरेट डिश या क्विजीन, क्या खाने में क्या पसंद है? दाल बाटी, मारवाड़ी वाला, बिल्कुल। सही, मेरे घर में हर 15 दिन में दाल बाटी बनवाता हूँ और मैं इतनी बाटी बनवाता हूँ कि वो मेरे 3 दिन चलती है। दाल हर दिन नहीं बनती है लेकिन वो बाटी में 3 दिन चलाता हूँ कि चलती रहे बस। लास्ट क्वेश्चन, कोई रिटायरमेंट प्लान है क्या अपना? रिटायरमेंट प्लान तो वो दारू ही है। नहीं नहीं, वे लोग रिटायर होके चिल करेंगे, यहाँ रहेंगे, यार, ये करेंगे, ये लाइफ रिटायर। मेरी गलती यार, हाँ मेरे को लग रहा है जो हमारी कॉमेडी लाइफ रिटायरमेंट लाइफ ही है यार। ना यार, हम रिटायर्ड आदमी से कम काम करते हैं। ओ भाई, हाँ ये तो, ये मुझे लगता है हमारे लिए ये रिटायरमेंट लाइफ ही तो जी रहे हैं यार हम लोग। क्या है इसमें, वही है यार, वो जो दोस्तों के साथ घूम लिया वही है, बस वही है यार। यहाँ पे हम सब कुछ तो कर पाते हैं यार, ये तो है। तो ये बेस्ट जॉब है यार। मेरे को अभी भी कोई बोलता है would you want to do comedy again, definitely again, ye ka ye path mein repeat karna chahunga. sahi hai, thank you so much Vipul bhai aane ke liye, bahut hi maza aaya, acha laga, bahut sari nayi baatein, itne saal janne ke baad bhi itni sari nayi baatein pata chali hai ki yaar, kyunki hum log hamesha milte hi airport pe milna hota aur tab wohi 15 minute hota, 15 minute mein se bitching karte hain shuru mein, tab tak hota are mera boarding time ho gaya, main nikal raha hu मेरा कॉल आ गया। ओ भाई, तो इसमें ये बड़ा है यार, अब काफी चीजें बात कर सकते हो, ये वो, ये लॉकडाउन का ये भी फायदा है ना, वरना ये बिना लॉकडाउन के हम कहां, हम लगे होते अपने अपने, कोई कहीं शो में लगा होता, राइटिंग में लगा होता, यहां लगा होता। हां ये सही हो गया लॉकडाउन से। सही है, थैंक यू भाई टाइम देने के लिए इतना अपना, और बहुत अरे नहीं यार, मैं खाली बैठा था यार। फिर भी नहीं यार, थैंक्स अ लॉट निशांत भाई फॉर मेरे को बुलाया आपने, तो सही है, मजा आया, और मैं तो और भी कभी हो तो बताना, मैं तो ये सब इन सब चीजों में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। जाने से पहले चैट विपुल ओपी दिखा दो एक बार, विपुल ओपी जल्दी से। चैट ने बाय कर दिया अपनी तरफ से। चैट देख चुकी है। चलो भाई, गुड नाइट, थैंक यू, मिलते हैं अपन। थैंक यू भाई, थैंक यू, मिलते हैं। ये स्ट्रीम हो गई है एंड, और एक सेकेंड, एक सेकेंड।